मायसेल्फ कमल सिंह, सीएलसी मैथ्स फैकल्टी। तो आज क्या हम क्या है 2019-2020 के ऑनलाइन पेपर, मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू फाइव, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस ए स्क्वेयर माइनस वन जेड इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो उसके ऑप्शन क्या है आपके पास में, तो हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक उसका सॉल्यूशन होगा किस केस में, मैं मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू रूट थ्री, तो इज इनकंसिस्टेंट व्हेन ए इज इक्वल टू फोर, तो इनकंसिस्टेंट मतलब हैविंग नो सॉल्यूशन, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ए इज इक्वल टू फोर के लिए। तो इज इनकंसिस्टेंट व्हेन मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू रूट थ्री, तो उस केस में मतलब थर्ड ऑप्शन क्या आपके पास में, इनकंसिस्टेंट रहेगा सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन व्हेन मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू रूट थ्री, तो ऐसे आपके पास में फोर्थ ऑप्शन है। तो देखो इसके अपने सॉल्यूशन के लिए, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, पहले अपने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनती है उसकी वैल्यू की बात करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वेयर माइनस वन, तो इसको एक्सपेंड कर लें, तो ये थ्री ए स्क्वेयर माइनस वन माइनस सिक्स, फिर इसमें देखें माइनस वन इधर, ये माइनस का, फिर ए स्क्वेयर, तो टू ए स्क्वेयर, तो माइनस सिक्स, फिर इसमें माइनस, ठीक है, टू ए स्क्वेयर माइनस वन, माइनस फोर, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखा इसको इस तरीके से, फिर आगे आपके पास में सिक्स वो जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में थ्री ए स्क्वेयर माइनस थ्री, एंड ये आपके पास में इधर माइनस सिक्स, तो इसका टू ए स्क्वेयर और ये प्लस का टू, और इधर आपके पास में ये प्लस का फोर, तो ये फाइनली किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वेयर और टेन, ठीक है, नाइन, नाइन सिक्स ये माइनस थ्री, तो इसकी वैल्यू आपके पास, इसमें देखो डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस थ्री। अब इसमें डेल्टा वन और फाइंड आउट कर लेते हैं अपने, डेल्टा वन क्या आएगा आपके पास में, डेल्टा वन वो देखते हैं किस फॉर्म में है, तो डेल्टा वन आपके पास में टू या डेल्टा थ्री निकाल लो, तो देखो डेल्टा थ्री क्यों निकालेंगे, इसमें देखो जो लास्ट कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा किस से, टू फाइव ए प्लस वन से, तो डेल्टा थ्री निकालो इसमें, तो डेल्टा थ्री, सो वन 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 और टू थ्री टू टू थ्री ए प्लस वन, ठीक है, तो ये लास्ट कॉलम के एलिमेंट जो हैं वो आपके पास में टू फाइव ए प्लस वन, ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास में थ्री ए प्लस थ्री माइनस फिफ्टीन, तो ठीक है, तो अब इसमें इसका माइनस टू ए माइनस टू, फिर माइनस टेन, तो इसमें आपके पास में जीरो आ ही रहा है वो लास्ट में, तो ये आपके पास में क्या बन गया ए, तो इसमें माइनस है, तो ये माइनस का फिफ्टीन और माइनस सेवनटीन, तो ये जो भी आ रहा है मतलब इसमें देखो दोबारा चेक कर लो इसका, थ्री ए प्लस थ्री, सो इसमें टू ए प्लस टू, तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास में माइनस टेन, तो ये प्लस का टेन हो जाएगा, प्लस का टेन, प्लस का टेन, तो अब इसमें ये किसके इक्वल आया, माइनस सेवनटीन ये थर्टीन, तो ये थर्टीन माइनस का फोर। अब आपके पास में व्हेन दिस इज ए इज इक्वल टू, अगर डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो होती है, डेल्टा जीरो है, तो इसमें ए कितना आ रहा है आपके पास में, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, अब इसमें ये जीरो नहीं होगा, फोर फोर ए इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, सो डेल्टा थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपके पास में ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो इसमें आपके पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रहेगा, इज इनकंसिस्टेंट फॉर मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू रूट थ्री, तो थर्ड ऑप्शन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, इफ ए इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स दे रखा है। तो अब इसमें वैल्यू पूछा है ए रेशो माइनस 50 की वैल्यू पूछा है, किस केस में जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 12 है, तो वो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखें आप ए रेशो माइनस 50 है, तो ए पहले ए इनवर्स निकाल लो, इसमें ए इनवर्स निकालेंगे तो देखो आपके पास में किस तरीके से आएगा, तो ए इनवर्स की बात करते हैं, ए इनवर्स कॉस थीटा ये साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, इनके साइन चेंज कर दो, ठीक है, और इधर आपके पास में ये सेम रहेंगे, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है आपके पास में, डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है, तो ये ए इनवर्स आ गया। तो सिमिलरली ए इनवर्स माइनस 2 निकालेंगे तो देखो वो आपके पास में किस फॉर्म में आएगा, तो इसका दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा एंड माइनस साइन 2 थीटा, इस तरीके से कॉस 2 थीटा, तो ये आपके पास में ए रेश्योर माइनस 2 यानी उसकी पावर माइनस 2, तो ऐसे ही आपके पास में ए रेश्योर माइनस 50 क्या आएगा, माइनस 50, तो इसको जब आप इस तरीके से देखेंगे तो क्या आएगा, कॉस 50 थीटा एंड साइन 50 थीटा एंड माइनस साइन 50 थीटा और कॉस 50 थीटा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये 50 थीटा में आ गया, तो किसकी वैल्यू पूछी है अब आपको, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, पाई बाई 12 पे, तो पाई बाई 12 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो ए रेशो माइनस 50, तो ये आपके पास में कॉस 50 इंटू पाई बाई 12, ऐसा है, फिर ऐसे इसमें माइनस वो साइन का आ जाएगा, साइन 50 इंटू पाई, तो ऐसे इसमें आपके पास में माइनस साइन 50, इस तरीके से इसको देखो, फिर आप किस फॉर्म में लिखोगे इसे, तो जैसे 50 पाई अपॉन 12, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपने 4 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 12, क्लियर, तो ये पाई बाई 6 आएगा, तो यहां पे आपके पास में कॉस 4 पाई प्लस पाई बाई 6, साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6, तो माइनस साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6 एंड कॉस 4 पाई प्लस पाई बाई 6, तो इससे कॉस पाई बाई 6 आएगा, तो कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आएगी इसमें, देखो आपके पास में इस फॉर्म में आ जाएगा ये कॉस पाई बाई 6 एंड साइन पाई बाई 6, ठीक है, इधर आपके पास में माइनस साइन पाई बाई 6 एंड कॉस पाई बाई 6, तो इनकी वैल्यू जब आपने डालेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, रूट 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड रूट 3 अपॉन 2, तो कौन सा ऑप्शन इसमें, सो थर्ड ऑप्शन, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको, मैट्रिक्स ये दे रखा है, ठीक है, इसमें आपके पास में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें फिर पूछ रहा है कि देन मैट्रिक्स ए इस, तो अब इसके इनवर्स की बात कर रहा है, क्या वह इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो इन्वर्टिबल है कि नहीं है, अपने को इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू देखना है भाई, इसका सारणिक मान देखना भी, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास में, इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो उसका इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपने इसको देखो, पहले सिंप्लीफाई करें, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करते हैं, तो डिटरमिनेंट देखें इसमें, तो ई रेज पर टी, इसमें से देखो आपके पास में ई रेज पर टी कॉमन आ रहा है, तो
तो इसमें देखो ई रेज पर टी, इसमें से ई रेज पर माइनस टी, ई रेज पर माइनस टी, इसमें से कॉमन है, तो वो अपने पास में इसमें डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करेंगे। तो देखो अब इसमें ई रेज पर माइनस टी, ई रेज पर माइनस टी, यहां से ई रेज पर माइनस टी, ई रेज पर माइनस टी, ई रेज पर टी, तो आपके पास में ई रेज पर माइनस टी, तो ये इस टाइप की बन गई है आपके पास में, वन कॉस टी एंड साइन टी एंड वन माइनस कॉस टी माइनस साइन टी एंड माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, ऐसा हुआ। फिर दिस वन टू साइन टी माइनस टू कॉस टी, इस फॉर्म में। तो अब इसमें देखो आपके पास में यहां पर इसको अगर इसमें ऐड कर दें, ठीक है, और देखो इसमें आर टू में क्या है, अपने इसको ऐड करें तो ये आपके पास में जीरो हो जाएगा, और फिर आपके पास में इसको अगर इसमें तो इसको ट्वाइस में से इसको फिर देख लेते हैं, वो तो कैसे जिस तरीके से आएगा वो देख लेंगे। इसमें तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो इसमें टू साइन टी माइनस टू साइन टी, इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, तो देखें फटाफट इसमें आर वन आर टू प्लस, आर टू प्लस मैं क्या कह रहा हूं आर थ्री, आर टू प्लस आर वन कर दो, आर टू प्लस आर वन, ये ऑपरेशन लगा देते हैं आर टू में, ठीक है, और प्लस आर थ्री कर देते हैं, तो ये आर थ्री इसमें करेंगे तो देखो आपके पास में क्या आएगा, ये तो देखो आप किस फॉर्म में आ गया, ई रेज पर माइनस टी, सो वन कॉस टी साइन टी, क्लियर है, तो ये आपके पास में इधर, सो टू ये थ्री होगा यहां पे, ठीक है, तो इसमें ऐड कर दिया ना, तो ये आपके पास में थ्री, तो ये टू साइन टी, यहां पे साइन टी आएगा, ओनली साइन टी, इसमें आपके पास में माइनस कॉस टी, तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये जीरो, तो अब इसमें वन टू साइन टी माइनस टू कॉस टी, ठीक है। अब इसमें अगर अपने इसको जीरो बना ले, ठीक है, नहीं तो इसको एक्सपेंड कर लो आप, देखो इसमें एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है आपके पास में, चलो देखते हैं, तो माइनस टू साइन टी कॉस टी, तो प्लस का टू साइन टी कॉस टी, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस टू साइन टी कॉस टी प्लस टू साइन टी कॉस टी, ये जीरो, ठीक है, तो मैं इससे एक्सपेंड कर रहा हूं, तो अब आपके पास में इधर क्या आ रहा है, सो माइनस थ्री, तो माइनस टू कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी इधर है, तो ये प्लस का, फिर ये माइनस का टू साइन स्क्वायर टी, टू साइन स्क्वायर टी, ऐसा आएगा, सो वन तो माइनस कॉस प्लस वन, तो माइनस कॉस स्क्वायर टी एंड माइनस साइन स्क्वायर टी, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास में ई रेश्वर माइनस टी, तो ये जीरो हो गया। अब इसमें देखो आपके पास में कॉमन क्या है, टू कॉमन है, तो क्या आएगा, सिक्स आ गया, सिक्स, ये आपके पास है माइनस वन, माइनस वन, तो ये किसके इक्वल आ गया, फाइव ई रेश्वर माइनस टी, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो ये कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है, सो दिस विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, सो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, सो ए इज इन्वर्टिबल, तो आपके पास में ए इन्वर्टिबल है, सो फोर्थ ऑप्शन, इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या आपके पास में, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्लियर, तो ये कंसिस्टेंट है तो आपके पास में, देन व्हाट रिजल्ट इज देयर, तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा। अब इसमें देखो आपके पास में डेल्टा किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा, डेल्टा की बात करते हैं, इसके कोफिशियंट से बनने वाली डिटर्मिनेंट है उसकी बात करें। कंसिस्टेंट के लिए पहले आप चेक करोगे क्या डेल्टा जीरो आता है कि नहीं आता, वो चेक कर लेते हैं पहले, तो इसमें डेल्टा विल बी हेयर,
1 माइनस 4 7, सो दिस इज 0 माइनस, सो दिस इज 3, ए माइनस 5, ए माइनस 2 5, ए माइनस 9 माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो आपके पास में देखो क्या आता है, सो माइनस 27 एंड प्लस 25, ठीक है। इधर ये माइनस का 2, तो ये आपके पास में 20 माइनस 21, ये। अब इसमें आपके पास में ये माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2, ये यहाँ पे आपके पास में प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो फॉर द सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट, तो इनके क्या है, सिस्टम का मतलब ही हैविंग द सॉल्यूशन, इसका हल के लिए मतलब इसके सॉल्यूशन के लिए डेल्टा हमारे पास में 0 आ रहा है, तो डेल्टा 1 मस्ट आल्सो बी 0, तो डेल्टा 1 भी क्या होना चाहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो वो तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो डेल्टा 1 आपके पास में देखो क्या आ रहा है, इसमें डेल्टा 1 की बात कर लेते हैं, तो डेल्टा 1 फॉर सॉल्यूशन, तो डेल्टा 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो इसमें देखो डेल्टा 1 क्या आएगा, तो जी एच के, ठीक है, माइनस 4 7 एंड 3 माइनस 5 और 5 माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 0 रखना है, तो इसमें क्या आया, माइनस 27 और माइनस प्लस का 25, तो माइनस 2g ऐसा आ रहा है। तो अब एच की इसमें देखें 36 माइनस 35, सो माइनस एच ऐसा आ रहा है, सो 20 माइनस 21, सो दिस इज माइनस, आपके पास में इधर 20 माइनस, तो ये माइनस का के आ रहा है, तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन बनता है इसमें, 2g प्लस एच प्लस के। तो ऐसे ही आपके पास में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबकी वैल्यू यही आएगी 2g प्लस, सो आंसर इज 4th, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में, लेट डी बिलोंग्स टू आर एंड मैट्रिक्स ए आपको गिवन है ये इस फॉर्म में, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका जो मिनिमम वैल्यू है इसके जो न्यूनतम मान है, सो ऑफ डिटरमिनेंट ए इज 8, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू की जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी 8 है, देन वैल्यू ऑफ डी, तो डी की वैल्यू बतानी है अपने। तो देखो इसमें तो पहले अपने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें अगर देखो मैं इसमें यहां पे इसको ऐड करूंगा यहां पे डी, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको ऐड कर देते हैं, तो देखो इसमें क्या ऑपरेशन कह रहा हूं मैं, पहले डिटरमिनेंट ए लिखें, सो डिटरमिनेंट ए माइनस 2 4 प्लस डी साइन थीटा माइनस 2, इस फॉर्म में 1 साइन थीटा प्लस 2 डी 5 2 साइन थीटा माइनस डी एंड माइनस साइन थीटा प्लस 2 प्लस 2d इस फॉर्म में। तो इसमें देखो मैं क्या कह रहा हूं, आर थ्री ऑपरेशन किस पे लगा रहे हैं, आर थ्री पे, सो आर थ्री, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2r2 एंड प्लस r1 ये ऑपरेशन लगाया है, ठीक है। सो व्हाट इज द, इसकी वैल्यू क्या आ रही है फिर आपके पास में डिटरमिनेंट की, ये देखें, तो इसमें माइनस 2 4 प्लस डी साइन थीटा माइनस 2 1 साइन थीटा प्लस 2 एंड डी, तो इसमें अब पहले मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो 3, उसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये सब 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 आया, तो ये
अब इसमें इसमें दो से फिर मल्टीप्लाई किया तो इसमें आपके पास में ये कितना आएगा यहाँ पे, तो माइनस फोर और ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो ऐसे फिर इसमें देखें आपके पास में जब इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और वो आपके पास में इसमें मैंने क्या किया इसमें उसको ऐड किया, सिंपल ऐड किया तो वो आपके पास में जीरो, तो दिस इज जीरो इस फॉर्म में आ रहा है। तो इसको देखो आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, सो इससे एक्सपेंड कर ले तो फोर प्लस डी माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस फोर इस फॉर्म में आया। तो अब ये आपके पास में डी स्क्वेयर प्लस फोर डी एंड प्लस फोर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इस तरीके से आ गया। तो अब ये मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय डी प्लस टू होल स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी आपके पास में, इसकी मिनिमम वैल्यू तो तभी होगी ना जब आपके पास में साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन स्क्वेयर थीटा व्हेन इक्वल टू वन सो इट विल हैव द मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसमें साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू वन डाल दो तो उसमें आपके पास में वो किसके इक्वल दे रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास में, एट है तो दिस इज इक्वल टू एट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में देखो क्या आएगा, डी स्क्वेयर प्लस फोर डी ऐसे क्वाड्रेटिक बनेगी ना ये, तो ये इसको तो क्वाड्रेटिक बनेगा इधर आपके पास में तो 4d प्लस 4 तो ये माइनस का 9 तो माइनस 5 आएगा माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, डी स्क्वेयर प्लस 5d एंड माइनस डी प्लस 5 माइनस 5 सॉरी तो ये माइनस का 5 आ जाएगा यहां पे। तो इसमें इधर तो ये 0 तो ये माइनस तो ये आपके पास में d माइनस 5 तो d इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास में माइनस 5 आएगा माइनस 5 और 1। तो आंसर क्या हुआ, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 9 सो हैज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। तो इसमें इस सिस्टम के क्या आपके पास में इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो इसमें आपको पता है डेल्टा की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, जीरो, और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री मस्ट आल्सो भी जीरो। ठीक है, तो ये होमोजीनियस तो नहीं है, तो इसमें फिर आपके पास में पहले डेल्टा की वैल्यू निकालो। इसको देखो फिर आपके पास में डेल्टा वन वन एंड वन टू थ्री एंड वन थ्री अल्फा, तो इसको सिंप्लीफाई किया इक्वल टू जीरो यही रखेंगे। अब इसमें बेटा आपके पास में टू अल्फा माइनस नाइन, ठीक है इससे सिंप्लीफाई करते जाओ इसमें। अब इसमें क्या आएगा अल्फा माइनस, तो पहले इससे एक्सपेंड कर दिया ना बाई आर वन से एक्सपेंड कर लो, तो अब आपके पास में क्या आएगा अल्फा माइनस थ्री, अल्फा माइनस थ्री, फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे थ्री माइनस टू दैट इज वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो तो अल्फा इज इक्वल टू हेयर वी हैव, तो ये कितना हो गया फोर, अल्फा इज इक्वल टू फाइव, अल्फा इज इक्वल टू फाइव। अब नेक्स्ट है इसमें देखो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा थ्री मस्ट आल्सो भी इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा थ्री निकाल लो आप। देखो इसमें लास्ट ऐसा क्यों, लास्ट कॉलम में देखो आपके पास में क्या यहाँ पे अल्फा आ रहा है, तो इसको बीटा से वो रिप्लेस कर लेंगे तो देखो आपके पास में किस फॉर्म में आएगा, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वन वन टू वन थ्री, लास्ट कॉलम में क्या आएगा आपके पास में फाइव नाइन एंड बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आएगा आपके पास में टू बीटा इक्वल टू जीरो रखना है माइनस ट्वेंटी सेवन, माइनस ट्वेंटी सेवन। अब बेटा आपके पास में इधर बीटा माइनस नाइन, तो बीटा माइनस नाइन ब्रैकेट में, तो इधर
सो 3 - 2 = 1 + 5 = 0। अब इसमें देखें आपके पास में बीटा, ये किसके इक्वल आ गया, 14 तो 13, तो आपके पास में बीटा की वैल्यू कितनी आई है 13। सो बीटा माइनस अल्फा किसके इक्वल आएगा आपके पास में, सो दिस इज 8। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कि इसको डेल्टा वन करके करेंगे, डेल्टा टू करेंगे तो फिर उसमें इक्वेशंस बनेंगे, फिर उनको सोल्व करोगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, आपके पास में 80 आएगी, 13। तो बीटा माइनस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास में, देखो इसमें लेट ए वन ए टू ए थ्री ए टेन बी द इन जीपी, तो जीपी में है ए आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 up to 10। तो मतलब ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ दी जीपी आर पॉजिटिव, वो पॉजिटिव दे रखे हैं, एंड एस बी द सेट ऑफ द पेयर्स आर के, तो आर के क्या है, दीज आर द नेचुरल नंबर, क्लियर है, तो देन सेट ऑफ द नेचुरल नंबर फॉर विच, तो आपको बताना है कि भी व्हाट विल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट विल द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन सेट एस इन द फॉर्म ऑफ आर के, तो आपको सेट एस में भी ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या रहे आपके पास में, जीरो हो जाए। अब अपने पास में देखो इसमें ए वन ए टू ए थ्री आर इन जी पी, तो उसका कोई ना कोई कॉमन रेशियो तो होगा ना, तो अब इसमें देखो इसको किस तरीके से करेंगे, तो डिटरमिनेंट वैल्यू देखो आपके पास में क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, लॉग ए वन, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं ऐसे इस तरीके से, मतलब लॉग एम एन की वैल्यू लगा देता हूं, लॉग एम एन, तो लॉग एम एन लॉग एम प्लस लॉग एन, तो आर यहां पे आगे आएगा, ठीक है, तो प्लस ये वन हो गया, तो के लॉग ए टू बेसी इस तरीके से, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्या है, सबको ऐसे लिख लेंगे, तो इसमें लास्ट वाले में क्या आ जाएगा आपके पास में, आर लॉग ए थ्री बेसी प्लस के लॉग ए फोर बेस ई इस तरीके से। तो देखो आपके पास में ये कंटिन्यूस चल रहा है, यहां पे देखो आपके पास में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो लास्ट में आपके पास में क्या आएगा, लास्ट में, तो लास्ट में आपके पास में इस तरीके से इसको लिखेंगे, तो R log A9 बेस E प्लस log A10 बेस E K इंटू में, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें आपके पास में log ए थ्री वाला होगा ना आपके पास में, तो इसमें देखो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, अब अपने पास में देखो मैं सी टू में से सी वन को सबट्रैक्ट करूंगा, सी थ्री में से किसको सबट्रैक्ट करूंगा, तो उसमें के के की जो वैल्यू आएगी आपके पास में, देखो यहां पे आपके पास में क्या आएगा, आर लॉग ए टू बेस ई और प्लस के लॉग ए थ्री बेस ई, ये इस फॉर्म में है ना। अब मैं इसमें देखो ये ऑपरेशन लगा रहा हूं, इसको देखना आप थोड़ा सा ध्यान से, C2 टू माइनस सी वन एंड सी थ्री माइनस सी टू, ये ऑपरेशन लगाओ, तो आपके पास में देख किस फॉर्म में आएगा ये, इसको समझना है बस, सिंपल है क्वेश्चन। जब मैं इसमें से इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो आपके पास में देखो यहां पे क्या आएगा, सो आर लॉग ए थ्री माइनस लॉग ए थ्री बेसी माइनस लॉग ए टू बेसी, तो वो आपके पास में किस तरीके का बनेगा, ये पहला पहले में तो सेम वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये आपके पास में लॉग ए वन बेसी प्लस लॉग ए टू बेसी के, तो इसमें देखो आपके पास में जब सी टू में से जब आप सी वन को सबट्रैक्ट करोगे, आर के इंटू में क्या आएगा, लॉग ए टू माइनस लॉग ए वन, तो लॉग ए टू अपन ए वन आएगा, तो इसको देखो इस तरीके से लिखेंगे, लॉग
ए टू अपॉन ए वन प्लस के लॉग ए थ्री माइनस, तो के वाला ये आएगा, देखो इसमें के कॉमन हो जाएगा, तो इसमें लॉग ए थ्री अपॉन ए टू, तो लॉग ए थ्री अपॉन ए टू इस तरीके से आएगा। तो सिमिलरली इसमें भी क्या आएगा आपके पास में आर लॉग, जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो ए थ्री अपॉन ए टू के लॉग ए फोर अपॉन ए थ्री इस फॉर्म में बनेंगे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज आर कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, दिस इज आर, ये सेम आएगा। इधर आपके पास में आर आर प्लस के आएगा, इसमें आर प्लस के आएगा, तो आपके पास में ऐसे फिर ये कंटिन्यू में चलेगा। जैसे देखो मैं इसमें आपके पास में क्या आ रहा है, यहां पे आपके पास में इधर इधर जो मैं बता रहा हूं क्या आएगा, लॉग ए सेवन अपॉन ए सिक्स, इसमें क्या आएगा आर लॉग ए सिक्स अपॉन ए फाइव इस फॉर्म में रहेगा। तो लास्ट में बेटा आपके पास में क्या आएगा आर लॉग ए नाइन ए एट के लॉग ए टेन अपॉन ए नाइन, क्लियर है। तो ये इसकी वैल्यू आपके पास में देखो, इसमें से ये क्या है आपके पास में, ये दीज आर द सेम, आपको पता है ये कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो ए फोर अपॉन ए थ्री ये कॉमन रेशियो हो गया जीपी का, सो दीज आर सेम। सो यहां से आपके पास में आर प्लस के आर प्लस के, तो ये इस फॉर्म में आपके पास में रहेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है यहां पर आपके पास में आर प्लस के ऐसे आएगा और आर प्लस के इस टाइप से, तो लॉग जैसे कैपिटल आर इधर आर प्लस के एंड लॉग कैपिटल आर, मैं कॉमन रेशियो क्या लेट कर लेता हूं इसका जीपी का कैपिटल आर। तो आपके पास में फर्स्ट में देखो उसको ऐसे ही रहने दे, फिर आपके पास में फर्स्ट में क्या आपके पास में ये जो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में आपके पास में एलिमेंट क्या है वो, तो डेल्टा, तो ये आपके पास में आर लॉग ए वन बेसी प्लस के लॉग ए टू बेसी, तो ये आपके पास में देखो इसमें ये सेकेंड कॉलम में ये हुआ ना, ऐसे फिर आपके पास में थर्ड कॉलम में रहेगा तो सेम आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सो व्हाट एवर आर और के की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो ये आपके पास में सेकेंड और थर्ड कॉलम क्या आएंगे आइडेंटिकल आएगा। तो C1 एंड C3 क्या होगा, C2 एंड C3, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल रहेगा। तो बेटा आपके पास में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो डेल्टा इज जीरो फॉर ऑल आर के बिलोंग्स टू एन, तो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो हाउ मेनी दीज आर दी पेयर्स इन सेट एस, तो कितने पेयर्स होंगे आपके पास में, इनफाइनेटली मैनी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एट्थ क्वेश्चन बेटा, अब इसमें एट्थ में देखो लेट मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपके पास में ये गिवन है, तो मैट्रिक्स ए क्या टू बी वन एंड बी बी स्क्वेयर प्लस वन बी वन बी टू, सो वेयर बी ग्रेटर देन जीरो देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो आपके पास में इसको देखो डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी, तो अपने को देखो इसमें क्या करते हैं, अपने डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो डिटरमिनेंट वैल्यू इसमें टू बी वन बी बी स्क्वेयर प्लस वन बी वन बी टू, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू टू टू बी स्क्वेयर प्लस टू माइनस बी स्क्वेयर, इसी से एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। सो माइनस बी टू बी माइनस बी एंड बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, तो ये देखो आपके पास में इसको सिंप्लीफाई कर लो और क्या है, अब इसमें क्या आ रहा है टू, सो बी स्क्वेयर प्लस टू, यहां से आपके पास है माइनस बी स्क्वेयर और उधर माइनस वन, तो देखो इसको
लिखा तो अपने पास में क्या आ रहा है, बी स्क्वेयर प्लस थ्री ऐसा आ गया। अब इसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन बी, ये इसकी वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है ना, मिनिमम वैल्यू। सो नाउ दिस इज व्हाट, बी स्क्वेयर प्लस थ्री अपॉन बी। अब इसमें आपको गिवन है देखो बी ग्रेटर देन जीरो है, तो आप इसमें ए एम जी एम का कॉन्सेप्ट लगा लो। तो इसमें देखो आपके पास में दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सो थ्री अपॉन बी प्लस बी, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका देखो आपके पास में भाई ए एम जी एम कॉन्सेप्ट से, तो ये आपके पास है टू इंटू अंडरूट में थ्री अपॉन बी इंटू बी, तो ये कैंसल, सो सो टू रूट थ्री। सो व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू इज टू रूट थ्री, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें भाई ए एम जी एम लगाया मैंने, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम ऑफ एनी टू पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू देन देयर जी एम, ये ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ में देखो द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द थीटा फॉर विच द दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवल का मतलब इसकी नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब इसमें आपके पास में इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी, मतलब इसके कोफिशियंट से जो मैट्रिक्स बनेगी उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल रखना है, तो फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो अब इसमें देखिए बेटा, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू जीरो, सो वन थ्री सेवन माइनस वन फोर सेवन साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा एंड टू इक्वल टू जीरो रखो। अब इससे, इसी से एक्सपेंड कर लो आप इसे, तो माइनस इसमें क्या आएगा आपके पास में था 21 माइनस माइनस सेवन साइन थ्री थीटा, ठीक है। इधर आपके पास में सेवन प्लस सेवन सो माइनस 14 कोस टू थीटा, ये आ गया, क्लियर है। तो अब इसमें आपके पास में फोर प्लस थ्री तो सेवन तो 14 इक्वल टू जीरो, ये क्लियर हुआ। अब इसमें देखो आप क्या करोगे, इसमें साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला लगा दो और माइनस सेवन से डिवाइड कर दो। तो क्या कह रहा हूं मैं, माइनस सेवन से, माइनस सेवन से इसमें साइन थ्री थीटा, इसमें क्या आएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसमें मैंने माइनस सेवन से डिवाइड किया बेटा, तो इसमें टू कॉस टू थीटा तो माइनस टू, इसमें साइन का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन का फॉर्मूला लगाओगे तो देखो इसमें थ्री साइन थीटा प्लस टू माइनस फोर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस टू, कुछ कैंसिल हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या बताओ, सो व्हाट इज द कॉमन, साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन है इसमें से, तो इसको लिखा फोर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस फोर साइन थीटा एंड माइनस थ्री। अब ये तो जीरो नहीं हो सकता बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, तो थीटा जीरो के इक्वल है ही नहीं। अब आपके पास में इसमें इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर किए तो क्या आ रहा है आपके पास में, तो फोर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस फोर साइन थीटा माइनस थ्री, तो इसमें सिक्स और टू बनेंगे। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू देखो आपके पास में क्या क्या आएगी, एक तो मैं बता देता हूँ, इसमें माइनस थ्री अपॉन टू और एक क्या आएगा साइन थीटा वन अपॉन टू आ रहा है, तो कितना आएगा वन अपॉन टू। तो साइन थीटा जब वन अपॉन टू आ रहा है आपके पास में, तो फ्रॉम जीरो टू पाई सो साइन थीटा अक्रिंग ट्वाइस,
तो साइन थीटा की वैल्यू दो बार आएगी, तो आपके पास में कितने सॉल्यूशंस हो गए, एक तो देखो 30 डिग्री पे एंड सेकंड वन इज सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6, ये आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें मैट्रिक्स ए गिवन है, क्लियर है। तो अब आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स है विद इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो देन वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ पी इज, तो इसकी मॉडुलस ऑफ पी की वैल्यू पूछा है। अगर आपके पास में ऐसा हो तो ये मैट्रिक्स ए क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आइदर +1 और -1, तो या तो +1 होगी या -1, तो मैट्रिक्स ए क्या आपके पास में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। तो ये इसमें देखिए, अब आपके पास में इसमें मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब इसके डिटरमिनेंट वैल्यू पता अपने को, अब देखो इसमें हमने इसका प्रोडक्ट करें तो ऐसे ए ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास में 0 2q r p q - r p - q r, इसका ट्रांसपोज ले लो इधर, तो आपके पास में 0 2q r p q - r p - q r, सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसका जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा क्या आ रहा है आपके पास में, देखो 4q² + r² ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वन आपके पास में देखो, इसमें p² यहां पे क्या आएगा, इसको लास्ट वाले में देखो, इसमें आपके पास में 2 4q 2q हो गया +r² इक्वल टू 0, इसको देखो सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा है रो का, इसका सेकेंड, तो आपके पास में 2q² - r² तो ऐसा ही है, तो 2q² - r² इक्वल टू 0, ऐसे कंपेयर करना, दो ही एलिमेंट लिखो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसमें r² की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे r² किसके इक्वल है, देखो आपके पास में यहाँ पे 4q², तो ये प्लस का 2q² आ गया, सो दिस इज q = ±1/√6, ठीक है। अब इसमें आपके पास में इसकी q² की वैल्यू डाल दो, 1/6 यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, r = ±1/√3, ऐसा आएगा। तो अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, व्हाट इज इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है आपके पास में, तो q r + q r, इसको देखो एक्सपेंड कर लेते हैं बाई r1 से एक्सपेंड किया तो -2q, ऐसे ही है, तो pr + pr ऐसा ही आएगा, तो r, सो नाउ वी हैव -p² - pq - pq - pq - pq, ऐसा। तो ये आपके पास में कितना आ गया, -6pqr, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू +1 और -1, ऐसे रख लो +1 या -1, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू +1 और -1, तो मैंने 1 के इक्वल रख लिया। अब इसमें आपके इसमें वैल्यू डालो तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है, तो ये p और q की वैल्यू डाली तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, तो ये आपके पास में 1/√6, तो ++ में ले लो, कैसे भी ले लो, आपको मॉडुलस लेना है बेटा, मॉडुलस लेना है, तो इसमें आपके पास में 1/√6 एंड 1/√3, सो दिस इज p, तो 1, तो
ये आपके पास में रूट सिक्स ऊपर चला गया, तो रूट तो पी इज इक्वल टू, हेयर भी है तो ये माइनस ले लो चाहे कैसे भी ले लो, तो पी इज इक्वल टू वी एम, तो इधर आपके पास में रूट सिक्स तो ये रूट टू आएगा, तो वन अपॉन रूट टू, ठीक है, मॉडुलस ऑफ पी वन अपॉन रूट टू, सो विच ऑप्शन इज फोर्थ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन वेयर ए बी सी, तो इलेवेंथ क्वेश्चन में नॉन रियल नंबर्स सो हैज द मोर देन वन सॉल्यूशन, तो मोर देन वन सॉल्यूशन के लिए फिर आपके पास में इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, तो पहले अपने डेल्टा की वैल्यू देखो, इसमें डेल्टा क्या आ रहा है, तो फॉर मोर देन टू सॉल्यूशंस, फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन तो डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा देखो पहले तो अपने क्या आ रहा है इसमें चेक कर लेते हैं, तो यहां से अपने डेल्टा की बात करते हैं, सो टू टू थ्री थ्री माइनस वन फाइव एंड वन माइनस थ्री टू, अब इसकी वैल्यू निकालो देखो क्या आ रहा है ये, तो माइनस टू प्लस फिफ्टीन, तो प्लस का फिफ्टीन तो थर्टीन हुआ, ट्वेंटी सिक्स आ गया, तो इसमें देखें अब इसमें थ्री सिक्स तो माइनस टू माइनस टू, तो नेक्स्ट वन क्या आ रहा है आपके पास से, माइनस थ्री माइनस नाइन एंड तो माइनस नाइन एंड प्लस वन तो एट आ रहा है, सो दिस इज 24 माइनस का, ठीक है, तो ये जीरो हो रहा है, सो डेल्टा इज जीरो, सो इट मींस डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री मस्ट आल्सो बी जीरो फॉर मोर देन टू सॉल्यूशंस, क्लियर, तो इसमें आपके पास में डेल्टा वन क्या रखोगे, जीरो के इक्वल, मोर देन वन सॉल्यूशन बस ये रखना है, तो अब इसमें देखो डेल्टा वन क्या आ रहा है, ए बी सी एंड टू माइनस वन थ्री एंड थ्री फाइव टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास में माइनस टू माइनस टू, ठीक है, माइनस फिफ्टीन ऐसे ही है, इसमें चेक कर लेना दोबारा इसमें, तो सो ए देख लेते हैं क्या आ रहा है, माइनस वन माइनस टू माइनस फिफ्टीन माइनस सेवनटीन ऐसा हुआ, बी की वैल्यू देखो क्या आ रही है बी की, यहां से आपके पास में फोर इसमें, तो वो कहीं ना कहीं देखो आपके पास में रिलेशन बनेगा इसमें, दिस मस्ट आल्सो बी जीरो हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, सो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री मस्ट आल्सो बी जीरो, तो ये आपके पास में देखो इसमें ए इसमें देख लेना एक बार, इसे माइनस थ्री है, सॉरी ये माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इसमें फिर आपके पास में क्या बन गया, ये माइनस टू एंड प्लस फिफ्टीन सो दिस इज थर्टीन, तो ये आपके पास में थर्टीन आ रहा है, थर्टीन सो प्लस थर्टीन ए, ठीक है, सो बी की वैल्यू देखो आपके पास में कितना आ रहा है, फोर प्लस सो माइनस थर्टीन बी, माइनस थर्टीन बी, तो नेक्स्ट क्या है सी, तो टेन प्लस थ्री तो दैट इज थर्टीन सी इज इक्वल टू जीरो, सो आपके पास में ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ये बन गया, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बैठता है अब आपके पास में देख लो, तो बी माइनस ए माइनस सी ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब इसमें देखो बेटा आपके पास में इफ ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास में ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो फिर कहता है एक्स किसके बराबर हो सकता है, तो देखो इसमें डेल्टा, इसमें मैं क्या करता हूं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर देता हूं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, तो आपके पास में क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आएगा सब में, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ऐसा हुआ, तो अब आपके पास में टू बी, तो b माइनस सी माइनस ए, तो 2b इस फॉर्म में, अब आपके पास में 2c 2c c माइनस ए माइनस बी, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है इसमें, तो a प्लस बी प्लस सी ये कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में अब आपके पास में वन 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 वन, तो ये 2b, तो b माइनस सी माइनस ए 2b, अब इधर 2c
टू सी सी माइनस ए माइनस बी। अगर देखो आप इसको जीरो बनाते हैं सी थ्री, इससे विद द हेल्प ऑफ दिस सी वन, सी थ्री माइनस सी वन, सी टू माइनस सी वन, तो इसमें आप ये लगा लो सी थ्री माइनस सी वन एंड सी टू माइनस सी वन, ये ऑपरेशन लगाया। तो जब ये ऑपरेशन लगाओगे तो आपके पास में देखो क्या बनता है, इसमें किस फॉर्म में आएगा, ये जीरो, ये यहां पे क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो इसमें ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इधर डेल्टा ए प्लस बी प्लस सी वन जीरो जीरो, सो टू बी ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहां पे जीरो, अब टू सी तो ये आपके पास में जीरो, ये फिर वही माइनस ए माइनस बी माइनस, ऐसे इसको प्लस ले लेता हूं ऐसे ना, ऐसे लिख दिया। अब इसमें जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, किस फॉर्म में आ रहा है, तो ये यहां पर आपके पास में इस फॉर्म में लिखा है इसको ए प्लस बी प्लस सी, और इधर आपके पास में ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर आ रहा है। तो देखो इसमें ये होल स्केयर जब आएगा इसमें, तो इसमें x को मैं कुछ ऐड कर देता हूं, x को देखो आप क्या लिख सकते हो यहां पे, x को सो दैट दिस मस्ट आल्सो बी इक्वल टू क्या, इसको देखो x प्लस करके लिख दिया, तो ये रहेगा तो a प्लस बी प्लस सी रहेगा ना, तो x इसमें जीरो के इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, तो x क्या होना चाहिए, तो देन x मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी ही रहना चाहिए ना, तो यहां पे तो ये x की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए फिर आपके पास में, तो माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें देखो ए एक्स ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये रखोगे तो आपके पास में थ्री ए प्लस बी प्लस सी बनेगा वो, तो फिर ट्वेंटी वो नाइन बनेगा, तो नाइन ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब बनेगा, तो वो गलत है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेगा, इसमें देखो ये रखोगे जब आपके पास में तो माइनस ए माइनस कॉमन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो वो प्लस का ही रहेगा, तो ये ऑप्शन आएगा, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी द टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर थ्री इंटू थ्री, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ थ्री डिटरमिनेंट, मतलब मैट्रिसेस इक्वल टू एट, एट के इक्वल कह रहा है, एंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू बता रहा है आपके पास में किसके इक्वल है एट के, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू, तो देखो इसमें आपके पास में सिंपल पहले सॉल्यूशन के लिए देखो, इसमें डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ये किसके इक्वल कह रहा है एट के, इसको देखो फिर आप कैसे लिखोगे आपके पास में ये, तो डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी है ऐसे अलग अलग कर दोगे, क्योंकि ऑल डिटरमिनेंट्स आर ऑल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर की, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे एट, तो ये और ये इसकी वैल्यू सेम हो गई अब आपके पास में ये, ठीक है इक्वल टू एट, इसको इक्वेशन नंबर वन लेट कर लो। अब इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, तो इसको फिर किस फॉर्म में लिखोगे आप, ये आएगा, अब इसमें ये किसके इक्वल हुआ फिर आपके पास में, तो वन अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू एट, तो ये आपके पास में बेटा एट इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी, तो यहां रखोगे तो आपके पास में ए की वैल्यू इसमें डालोगे तो क्या आएगा आपके पास में 64 क्यूब ऑफ द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी, क्यूब आएगा ना इसका, ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो आपके पास में 8, सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी इज हियर किस फॉर्म में आ गया, सो ये क्यूब में आएगा, सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी इज 1/2 रह गया। अब आपके पास में किसकी वैल्यू पूछा है इसने, सो यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताना है, तो इसमें देखो किस तरीके से आएगा आपके पास में, तो ए की वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ए कितना होगा फिर आपके पास में 4, तो ये इसमें रखते हैं ये वाली वैल्यू, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज 4, अब देखो उसमें उसकी वैल्यू पूछा है, तो बी ठीक है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू
ये आएगा, तो इसकी वैल्यू आपको पता है कितना, 1/2, 1/2, ये 1/4 हो गया। इसकी क्या करोगे, 1/4 में चला जाएगा, तो ये आपके पास में क्या आएगा, 1/4 इस फॉर्म में, ठीक है, तो ये 1/16। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 14 क्वेश्चन में बेटा, अब इसमें तो इसमें पहले देखो अपने पास में P=5 है Q, देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें P एक मैट्रिक्स है, Q एक फिर मैट्रिक्स है, बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर की है, सो दैट द Q-P=5 = I3। तो P की पावर 5 है, फिर किसके, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू पूछी है फिर आपको। तो देखो मैं अपने पहले मैट्रिक्स पी के अपने क्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, पी स्क्वायर निकालें, तो देखो क्या आता है आपके पास में, P square 1003109 31, इसको 1003109 31, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में किस फॉर्म में आएगा, तो 1 ये 0 ये 0, तो इसमें आपके पास में 6, ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई 6, तो इधर 1 0, तो ये आपके पास में इधर, सो ये 18, सो देखो 1 27 आ रहा, मेरे को लगता है ना 27, दिस इज 27, ये आपके पास में इधर फिर 6, ये 0, ठीक है 1 सॉरी, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें P क्यूब निकालेंगे तो P क्यूब क्या आ रहा है, देखो P क्यूब आपके पास में इसमें एक पैटर्न मिलेगा, P क्यूब आपके पास में 1 0 0, तो ये इसमें 1 0 0 3 1 0 9 3 1, ठीक है, तो 6 1 0 27 6 1। तो अब इसमें देखें आपके पास में ये पहला एलिमेंट क्या आएगा आपके पास में इधर 1, ठीक है, अब इसमें दिस इज 0 0, तो ये एलिमेंट आपके पास में 9 आ रहा है, तो 9 इधर आपके पास में, तो ये 1 फिर ये 0। इसकी बात करते हैं अब इस एलिमेंट की, देखो ये 54 आ रहा है, 54, तो ये आपके पास में 20 0 6 9, और ये 1, ऐसा हो गया, ये पी क्यूब आ गया, पी 4। देखो अब इसमें एक पैटर्न अपने मेन इस एलिमेंट की बात करते हैं अपने, देखो 3 में यहाँ पे आपके पास में क्या आया, P1 में आपके पास में देखो इन एलिमेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 × 2 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है आपके पास में 3, ये 3 × 2, इधर 3 × 3 अगर पी क्यूब है, तो पी 4 आएगा तो 3 × 4 आ जाएगा यहाँ पे, अगर 5 आएगा तो 3 × यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मेन इस एलिमेंट की बात करते हैं, ये देखो एलिमेंट इसकी बात करते हैं, 9, ठीक है, 27 54, देखो 9 को पहले आपने क्या लिखा है यहाँ पे 9 पे, तो पहले में देखो 9 × 1 आ रहा है, फिर 27 की बात करते हैं, तो 27 में बेटा आपको क्या लिखेंगे इसमें, देखो 27 की बात करें तो 27 9 × 3 9 × 3, फिर 54 तो 9 × 6। तो अब इसमें देखो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, देखो इसमें देखो आपके पास में जो ये 9 के साथ में ये मल्टीपल है, जो ये इनका डिफरेंस कितने कितने का, यहाँ पे देखो ये 2 का आ गया, फिर यहाँ पे 3 का है, अगले वाले में क्या आएगा आपके पास में 4 का आएगा, ठीक है, तो उसमें मतलब इसमें आपके पास में नेक्स्ट वाले में यहाँ पे देखो इसमें क्या है 3 का आ रहा ना, तो यहाँ पे कितना आपके पास में 2 का है, फिर उसमें आपके पास में उसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें 90, तो इसका 6, तो वो आपके पास में 4, तो 10 इसमें 10 आ जाएगा, तो ये देखो आपके पास में क्या आएगा 9 × 10, तो 90 आएगा, बोलो सही है,
इससे कह रहा हूं मैं, देखो अब इसमें डिफरेंस कितने का 2 का है, इसमें कितने का 3 का है, तो इसमें आगे वाला क्या आएगा 10 आएगा, अब इससे अगले वाला में क्या आएगा आपके पास में 9 × 15, सो दिस विल बी 135, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आपके पास में P5 में ये एलिमेंट क्या आएगा आपके पास में 135 आएगा, ठीक है, और ये एलिमेंट आपके पास में कितना हो जाएगा 3 × 5, तो P5 में लिख रहा हूं, इसमें देखो P5 क्या आएगा आपके पास में, इधर P5 की बात करते हैं, तो P5 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो P5 विल बी हियर 1 0 0 15, तो ये आपके पास में 135 एंड दिस इज 1, ये 0, इधर 15, इधर 1, तो ये अपने को पता लग गया। अब नाउ किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि Q − P·5, तो Q आपके पास में किसके बराबर है, तो ये Q11 Q12 Q13, ऐसा है ना, तो अपने को एलिमेंट कौन कौन से चाहिए, तो Q2 चाहिए, Q1 चाहिए एक, तो और एक आपके पास में Q31 बेटा ये आ गया, और एक क्या Q32 ये वाला, बस ये इसकी बात कर रहा है, माइनस किसके बराबर, ये 1 0 0 15 एंड 1 0 135 एंड 15 1 इक्वल टू किसके, बोलो आइडेंटिटी इस फॉर्म में। तो अब आपके पास में डायरेक्ट आपके पास में देखो क्या आ रहा है, Q31 कितना आ रहा है 135 एंड Q32 15 15, तो यहां से आप इसकी वैल्यूज सबकी, तो इसमें देखो Q21 = Q32, ऐसे है ना 32, सो दैट इज 15 एंड Q31 = 135, तो इसमें रखेंगे तो आपके पास में क्या आएगा आपके पास में फाइनल की क्या आंसर बन जाएगा, ये Q21 + Q31 / Q32, तो ये इसमें 150 upon 15, सो आंसर इज 10, तो आंसर क्या हुआ 10, सो विच ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास में क्या है, एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इसमें तो एक सॉल्यूशन है इसका, तो इसमें आपके पास में डेल्टा क्या नहीं, मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 इसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो अपने देखें अब इसमें क्या रिलेशन आता है, सो विच वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा सेटिस्फाइंग द और डेल्टा की वैल्यू, जो भी आपके पास में देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो इसमें पहले डेल्टा वैल्यू निकालो, आपको ये पता है ना यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो उसमें डेल्टा को जब आप वैल्यू निकालोगे इसमें, तो उसमें अल्फा बीटा में एक एक्सप्रेशन आएगा, तो उसमें आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें रख के देख लेंगे किस वैल्यू के लिए वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वही आपके पास में रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्लियर है, वही आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्लियर है, तो इसमें देखें किस तरीके से, सो डेल्टा 1 + α β 1 α 1 + β 1 α β 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करें अपने, तो किसी तरीके से भी आप देखो इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें, इसको R2 − R3 एंड R1 − R3 लगा लो, इस तरीके से कर लो, ठीक है, तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास में देखो, सो दिस इज 1 दिस इज 0 दिस इज -1, ठीक है, दिस इज 0, ये 0, ये 1, ये -1, अब ये अल्फा बीटा और 2, तो इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लो, तो क्या आ रहा है आपके पास में देखें, तो 2 + β, तो 2 + β ऐसा आया, फिर इधर क्या आएगा आपके पास में माइनस, तो ये प्लस का अल्फा, ठीक है,
तो अब इसमें देखो आपके पास में अगर ये वैल्यू इसमें डालते हैं तो अल्फा बीटा की, तो दिस इज 1 3, ये जीरो हो रहा है। ये भी आपके पास में देखो अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू 1 डालोगे तो ये भी जीरो हो रहा है। तो ये आपको नहीं चाहिए, वी डोंट रिक्वायर दिस ऑर्डर्ड पेयर। तो ये भी आपके पास में जैसे देखो -4 यहाँ डाला +2, तो ये भी जीरो कर रहा है। तो ये वाली वैल्यू है ना जो दिस इज नॉट मेकिंग जीरो, तो ये जीरो नहीं बना रहा। सो आंसर इज क्या हो गया फिर आपके पास में सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब इसकी जो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, दीज आर द होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें आपके पास में होमोजीनियस इक्वेशन में जब आती है आपके पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में अगर हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस, तो इसमें कोफिशियंट से बनने वाली जो डिटरमिनेंट होती है उसकी वैल्यू किसके इक्वल रखने हैं अपने, जीरो के। तो इसमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो उसकी, देखो क्या कोफिशियंट से बनती है वो डिटरमिनेंट क्या बनेगी, उसको इक्वल टू जीरो रख दो। तो इसमें तो देखें इस क्वेश्चन को, सो डेल्टा फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए तो आपके पास में सो 1 माइनस लैम्डा -2 एंड 1 2 माइनस लैम्डा, सो 1 -1 -1 एंड -लैम्डा, ये ठीक है। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसमें देखो 1 माइनस लैम्डा इधर क्या आएगा आपके पास से -2 लैम्डा + लैम्डा² + 1 इस फॉर्म में आ गए। इससे एक्सपेंड करेंगे तो देखो -1 एक्सपेंड C1 से कर लिया ना, तो -2 एंड +4, तो प्लस का हो जाएगा ना प्लस का, तो माइनस का फिर 2 लैम्डा ऐसे इस फॉर्म में आ रहा है। तो नेक्स्ट वन इसमें इसमें इससे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, मैंने इससे किया ना -2, ये एक मिनट इधर इसमें इससे एक्सपेंड किया तो -2 लैम्डा एंड -2 ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ये -1, तो इसको तो माइनस का कितना 2 और ये प्लस का 4 -2 लैम्डा ये आ गया। तो इसमें से देखो आपके पास में इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा -1 कॉमन आ रहा है सारे में से, यहां से लैम्डा -1 ये क्या मिलेगा आपको, देखो यहां से फिर क्या -2 लैम्डा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते पहले थोड़ा सा और क्या है, तो 1 माइनस लैम्डा, तो ये आपके पास में किस फॉर्म में आएगा लैम्डा -1 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास में 2 लैम्डा -1 इस फॉर्म में आ गया, और इधर 2 लैम्डा -2 लैम्डा + 2, तो माइनस का प्लस का 2 आ जाएगा, तो लैम्डा -1 = 0 इस फॉर्म में आ रहा है। तो इसमें से लैम्डा -1 कॉमन निकाल दो, लैम्डा -1 तो अंदर ब्रैकेट में यहां पे क्या रहेगा आपके पास में लैम्डा -1 होल स्क्वायर, तो ये -2 ये +2 ये तो कैंसिल ही हो गया छोड़ो, तो आपके पास में इक्वल टू 0, तो क्या हुआ लैम्डा -1 होल क्यूब आ गया। तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज आ गई आपके पास में 1, तो एग्जैक्टली सो सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द लैम्डा विच इज ए सिंगल टन सेट विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, सो हियर आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है बेटा, मैट्रिक्स ए में देन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 3π/4 से 5π/4 द डिटर्मिनेंट, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू लाइज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में लाई करती है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू वो देखते हैं। तो इसमें आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो, इसको एक्सपेंड कर लो सीधा सा और क्या है, इसमें देखें फिर
सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसको एक्सपेंड किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आएगा। सी आर वन से एक्सपेंड कर लो तो इसमें माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा वो जीरो हो गया, ठीक है। लास्ट में आपके पास में क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास में 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हुआ, ये 2 कॉमन तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ये आ गई। अब थीटा कहां से कहां तक है बेटा आपके पास में, थीटा वेरीज फ्रॉम हियर 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, ये 2 टू 5 है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं वैल्यू पाई भी आएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा में भी है जीरो, विल बी जीरो फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। अब इसमें देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, इसकी इस फॉर दिस वैल्यू ऑफ द थीटा स्क्वायर है ये, या तो 5 पाई बाय 4 पे होगी या 3 पाई बाय 4 पे होगी, ये 1/2 बनेगा ना, तो पाई बाय 4 पे आएगा तो 1/√2 आएगा, होल स्क्वायर है तो ये 1/2, बट दीज वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, तो इसमें 3 पाई बाय 4 पे जो वैल्यू निकालोगे उस पे ओपन इंटरवल रहेगा, और 0 पे जो वैल्यू निकालेंगे वो आपके पास में क्लोज इंटरवल रहेगा। तो आपके पास में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए दैट बिलोंग्स टू व्हाट, तो आपके पास में एक तो मैं क्या बता रहा हूं इसमें, जैसे 1/2 रखेंगे तो यहां पे आपके पास में क्या आएगा, सो वो 3 आएगा, ठीक है। 1/2 यहां पे जैसे पाई बाय 4 डालेंगे, पाई बाय 4 सो 1/2 आ जाएगा, तो वो आपके पास में 3, सो 3 पे ओपन रहेगा, और 0 पे यहां पे इसमें देखो ऐसा रहेगा 2 2 3 ओपन इंटरवल, ये क्लियर है। तो अब अपने पास में देखो, सो डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ दिस लाइज इन विच इंटरवल, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है ये देखना अपने को। तो ये जैसे देखो आपके पास में सो 2 3, तो कौन कौन से इंटरवल में लाई करता है, देखो आपके पास में सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है आपके पास में, ये देखो आपके पास में इस इंटरवल में है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है नहीं है, क्लियर है। तो अब आपके पास में इधर तो इसमें कंप्लीट नहीं है ना, ये देखो आपके पास में ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 2.5 से हो रहा है, ये भी नहीं है, सो विच ऑप्शन इज 4th ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स है आपको गिवन है, क्लियर है, तो इसमें सदर दी वैल्यू ऑफ ए रेश पर 32 इज इक्वल टू 0 -1 1 0, ये मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है A32, तो देन वैल्यू ऑफ अल्फा किसके लिए, आपके पास में अल्फा की वैल्यू पूछी है इसमें, तो इसकी वैल्यू आपके पास में इसके इक्वल आ रही है जब मल्टीप्लाई करें, तो अल्फा की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है ये पूछा है इसने, तो इसमें क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसमें देखो अगर अपने ए स्क्वेयर करते हैं तो ए स्क्वेयर किसके इक्वल आता है, इसको देखें फटाफट, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई किया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, तो साइन अल्फा कोस अल्फा इस तरीके से आएगा, तो इसको कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ रहा है, कोस टू अल्फा आ रहा है, कोस टू अल्फा, इधर माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये साइन माइनस साइन टू अल्फा इस तरीके से, तो कोस के इधर फिर आपके पास में इसको साइन टू अल्फा, अगेन ये साइन टू अल्फा आ गया, इसको जब आप मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस फिर क्या को प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, तो कोस टू अल्फा, तो यहां पे जब ए स्क्वायर था तो आपके पास में क्या आ रहा है, टू अल्फा आ रहा है। सिमिलरली यू विल फाइंड द ए क्यूब इज इक्वल टू हियर 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा, तो यहां पे 4 आएगा ए रेशो 4, तो यहां पे कोस 4 अल्फा एंड माइनस साइन 4 अल्फा, साइन 4 अल्फा कोस 4 अल्फा इस तरीके से आ रहा है। तो आपके पास में ए रेश पर 32 क्या आएगा, आपके पास में ए रेश पर 32, तो इसमें कॉस माइनस साइन
तो साइन 32 अल्फा एंड कॉस 32 अल्फा, क्लियर है। अब इसमें देखो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आप कौन कौन सी वैल्यू डालोगे सो दैट दिस बिकम्स द जीरो। तो इसमें देखो अगर आप अल्फा की वैल्यू जीरो डालोगे तो ये तो वन बनेगा, तो इसके इक्वल तो नहीं आएगा। अगर पाई बाय 16 रखोगे, देखो यहाँ पे पाई बाय 16 रखते हो तो कितना आता है आपके पास में, 2 पाई, कॉस 2 पाई दैट इज 1, तो भी पॉसिबल नहीं है। इसको रखते हैं तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस 32, ये पाई बाय 64 रखा तो क्या आ रहा है, कॉस पाई बाय 2, इधर माइनस साइन पाई बाय 2, तो ये सेटिस्फाई करेगा ना। सो विच ऑप्शन इज हियर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 19th क्वेश्चन देखें। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू आर फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो मतलब इस समीकरण निकाय का आपके पास में एक अतुच्छल है, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए मतलब इसका क्या हुआ, ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं तीनों, तो इनके एक्स वाई जेड के कोफिशियंट से बनने वाली जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो होगी फॉर नॉन ट्राइवल के लिए। तो अब इसमें अपने नॉन ट्राइवल के लिए इनके कोफिशियंट से बनने वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो रखना है अपने को। तो देखो फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो कोफिशियंट से बनेगा तो वन माइनस सी माइनस माइनस सी, तो सी माइनस वन, सी 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 माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इसको आप एक्सपेंड कर लो, आर वन से एक्सपेंड किया तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है इसमें, तो वन माइनस सी स्क्वेयर, सो वन माइनस सी स्क्वेयर, तो माइनस ये सी है तो प्लस का सी हो जाएगा। तो अब इसमें देखें अपने पास में माइनस सी स्क्वेयर, तो लास्ट में आपके पास में माइनस, तो ये आपके पास में सी स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन माइनस सी स्क्वेयर, तो माइनस सी स्क्वेयर माइनस सी क्यू माइनस सी क्यू माइनस सी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, तो टू सी क्यू प्लस थ्री सी स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखो इसको c इज इक्वल टू अगर माइनस वन रखते हैं दैट विल सेटिस्फाई इट, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब इसमें तो c प्लस वन इसका एक वन फैक्टर हो गया, इसको देखो बाकी का दूसरा फैक्टर क्या रहेगा इसका, तो वो सीधा आपने क्या है यहाँ पे देखो 2c स्क्वेयर, ये प्लस वन है तो माइनस वन आएगा इधर, तो अब 3c स्क्वेयर चाहिए, तो अपने पास में यहाँ पे प्लस का अगर अपने c लगाएं इधर तो इधर प्लस का c आएगा, प्लस का सी, तो ये इक्वल टू जीरो। तो इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर आपके पास में फिर क्या बनेंगे, देखो टू सी माइनस सी, तो ये आपके पास में तो टू सी माइनस वन इसका ये इस तरीके से बनेगा, तो सी प्लस वन होल स्क्वेयर टू सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो सी की आपके पास में वैल्यूज क्या क्या आ गई, माइनस वन एंड माइनस फिर क्या वन अपॉन टू, सो विच वन इज द ग्रेटेस्ट, तो वन अपॉन टू, तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, तो वन अपॉन टू फर्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 20th क्वेश्चन में लेट द नंबर्स 2 बी सी बी इन एनएपी एंड मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से 16 है, सो देन सी, अब ये मैट्रिक्स है इसमें आपको एक कंडीशन दी हुई है 2 बी सी आर इन एपी, तो इसका देखो क्या होगा फिर, अब इसमें 2 बी सी आर इन सॉल्यूशन इसका, आर इन एपी, तो आपके पास में बी टू बी इज इक्वल टू ए, इसमें टू प्लस सी ये आ गया। तो अब इसमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करते हैं, तो डिटरमिनेंट में देखो आपके पास में यहां पे वन 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 टू, यहां पे बी की वैल्यू डाल दो, टू प्लस सी अपॉन टू, सी फोर
यहाँ पे फिर आपके पास में 2 + c / 2 होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसमें देखो आपके पास में c2 - c1 + c3/2, तो आपके पास में ये किस फॉर्म में आएगा, तो 1 0 0, सो दिस इज 2 0 c। इसमें आपके पास में जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो c² + 4c ऐसे +4/4 - c² + 4/2, इस फॉर्म में आएगा ये c². तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी देखो, अब इस c से एक्सपेंड करोगे आप, इसमें देखो c2 से एक्सपेंड कर दो, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गई फिर आपके पास में, सो माइनस तो c² + 4c + 4, तो इसमें -2c² - 8/4 इस फॉर्म में हुआ, तो इधर c - 2, तो ये c - 2 आ गया। तो ये इसको सिंप्लीफाई करा तो आपके पास में क्या आ गया, -c² + 4c - 4, तो इसमें देखो नेगेटिव को बाहर निकाल लो, तो c² - 4c + 4 ये हो गया / 4 एंड c - 2, तो इसको क्या लिखा, c - 2 होल क्यूब / 4। ये डिटरमिनेंट वैल्यू बिलोंग्स टू व्हाट, किसमें बिलोंग्स टू 2 to 16 ऐसा है। सो इसको 4 फिर आपके पास में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, c - 2 होल क्यूब / 8 + 64 इस फॉर्म में आ गया। और इसको क्या लिखोगे, c - 2 belongs to 2 to 4, तो आपके पास में c belongs to 4 to 6, तो ये आपके पास में इसका आंसर बनेगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो सेकंड। तो नेक्स्ट वन, सो 21, सो 21 क्वेश्चन में आपके पास में ये प्रोडक्ट दिया हुआ है मैट्रिसेस का यहाँ पे, ठीक है, कितनी मैट्रिसेस है यहाँ पे, n-1 मैट्रिसेस है, वो यहां से पता लगेगा 1 2 3, देखो n-1 मैट्रिसेस है, तो एक इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 एक अनदर मैट्रिक्स के इक्वल है, तो 178 0 1, तो फिर इसका इनवर्स पूछा है। तो अब इसमें देखिए, अगर अपने इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं, सो इसका प्रोडक्ट किया दो का 1 1 0 1, सो 1 2 0 1, इसका दो का प्रोडक्ट किया तो आपके पास में किसके इक्वल आए, सो हियर वी हैव 1, दिस इज 2 3 एंड 1 दिस इज 0 एंड दिस इज 1। एक बार और इसमें देखो, इसमें प्रोडक्ट करते हैं तो जैसे आपके पास में इसको किससे प्रोडक्ट करते हैं, सो 1 3 से देखो, इसमें 1 3 0 1, सो दिस भी है थर्ड मैट्रिक्स 0 1, यही है, इसका दोनों का प्रोडक्ट किया तो आपके पास में किस फॉर्म में आ रहा है, सो 1 6 एंड दिस इज 0 1। तो इसमें देखो आप तीन मैट्रिक्स का जब हमने मल्टीप्लाई किया, जब प्रोडक्ट किया, तो हमारे पास में ये जो एलिमेंट है, बाकी देखो सभी मैट्रिक्स में ये तीनों एलिमेंट सेम रह रहे हैं, तो 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये है। तो इसमें देखिए आपके पास में जब तीन मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई किया, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, तो इन एलिमेंट्स का सम आया 1 + 2 + 3, तो क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास में n-1 मैट्रिसेस है, तो सबका प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास में किस फॉर्म में आएगा ये, तो लास्ट में आपके पास में जैसे देखो 1 0 1, तो इधर आपके पास में 1 + 2 + 3 n-1, ये इस फॉर्म में आएगा, तो इक्वल टू किसके आपके पास में, इक्वल टू 178 0 1 इस फॉर्म में। तो अपने पास में ये व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, तो दो मैट्रिसेस जब इक्वल हो तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के बराबर रहेंगे, तो ये आपके पास में n n-1 / 2 = 78,
इसको सॉल्व कर लो, माइनस एन, दिस इज, ये किसके इक्वल आएगा आपके पास में 156 क्या, सो माइनस 156 इक्वल टू जीरो. अब इसमें देखो आपके पास में एन की वैल्यू 13 आएगी, 13 एंड माइनस 12, 13 एंड माइनस 12, तो ये तो लेंगे नहीं, तो एन की वैल्यू क्या हुई 13. सो आपके पास में मैट्रिक्स क्या बन गई आपके पास में 1 13 0 1. इसका इनवर्स पूछा है, सो इट्स इनवर्स विल बी हियर, तो इसका इनवर्स आपके पास में डिटरमिनेंट वैल्यू तो इसकी 1 ही आएगी, तो इसका इनवर्स क्या होगा आपके पास में, इनके यहाँ पे साइन बदल दो तो माइनस 13 0. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो सेकंड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन वाई इज नॉट इक्वल टू 0 इन आर. तो वाई क्या 0 के इक्वल नहीं है आर में, तो इसकी वैल्यू पूछिए. आपको ये पता है ये जो इक्वेशन है इसका डी लेस देन 0 है, ठीक है. इसके जो रूट्स आते हैं आपके पास में माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे. तो इसके आपके पास में ये जो इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है. तो इसमें देखो आप अल्फा को क्या लेट कर लो, ओमेगा, अल्फा को ओमेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, और बीटा को ओमेगा स्क्वायर. तो अब इसमें उसकी वैल्यू पूछिए, तो ये आपके पास में वाई प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस फॉर्म में 1, सो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा, इसमें सो वाई प्लस ओमेगा, इस तरीके से. इसमें देखो आप क्या करोगे, सो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर लो, ठीक है. इसमें जब ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहां पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है. तो वो आपके पास में y, इधर भी y बनेगा, इसमें y, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और y प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 y प्लस ओमेगा. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में, तो एक्सपेंड करोगे इसे, देखो y तो कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास में 1 1 1 1, सो ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 ओमेगा स्क्वायर 1 वाई प्लस ओमेगा. तो आप इसको एक्सपेंड कर लो या तो, ठीक है, इससे एक्सपेंड करोगे तो आपके पास में इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी वाई क्यूब. इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू विल हैव वाई क्यूब, या इसको पहले इसको 0 बना लो, इसको 0 बना लो, नहीं तो इसको एक्सपेंड कर लो बस आर वन से, तो यू विल गेट हियर वाई क्यूब. सो ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए आपके पास में टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, फॉर विच ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू ए इस 3i3, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है जो आपके पास में 3i3 के है, तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे, तो देखें इसमें इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है इनटू मैट्रिक्स है 3i3, इससे प्रोडक्ट किया, मतलब इनको दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 3i3 के. तो अब इसमें वैल्यू डाल दो, इसमें क्या है, तो क्या आएगा ये 0 2y 1, ठीक है, 2xy-1 2x-y 1, तो इधर आपके पास में 0 2y 1 2x y-1 2x
माइनस वाई वन, सो दिस इज इक्वल टू थ्री आई थ्री। इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, सो फोर एक्स स्क्वेयर एट एक्स स्क्वेयर हो गया, ठीक है। तो आपके पास में बाकी ये तो माइनस का ये जीरो हो गया, सो वन माइनस टू एक्स, बाकी एलिमेंट्स इसके जीरो आ रहे हैं। अब अपने पास में इसकी बात करें तो ये क्या जीरो, टू एक्स वाई माइनस ये जीरो। अब इसमें फोर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो आपके पास में सिक्स वाई स्क्वेयर आ रहा है। तो देखो फोर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो सिक्स वाई स्क्वेयर, क्लियर। तो इसमें आपके पास में ये जीरो, ये लास्ट वाला एलिमेंट क्या आ रहा है, टू वाई माइनस वाई माइनस वाई, दिस इज जीरो। अब ये भी आपके पास में दिस इज जीरो एंड दिस इज टू वाई माइनस वाई माइनस, ये क्या है तो माइनस वाई। तो इसमें देखो आपके पास में फिर जीरो, लास्ट एलिमेंट क्या आ रहा है आपके पास में, उसको चेक कर लेते हैं। देखो वन प्लस वन तो थ्री। अब इसमें आप इनको कंपेयर करेंगे, सो दिस विल बी हेयर थ्री जीरो 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 थ्री जीरो 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 थ्री। अब इसको जब कंपेयर किया तो एट एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, एट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री, इस तरीके से हुआ। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर थ्री अपॉन एट। सिमिलरली तो सिक्स वाई स्क्वेयर, सिक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री, सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। तो यहां से आपके पास में कितने एलिमेंट्स हो गए, दो ये हो गए, तो दो ये हो गए। एक बार आपके पास में प्लस प्लस का, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, तो कितने पेयर बनेंगे, तो आपके पास में यहाँ पे चार पेयर बनेंगे, ठीक है, ऑफ एक्स वाई। तो फोर पेयर बनेंगे तो उतनी मैट्रिसेस आएंगी, तो आपके पास में हाउ मेनी मैट्रिसेस विल बी देयर, फोर। तो आपके पास में चार मैट्रिसेस आएंगे। तो ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखें, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए मैंने अपने पहले ही क्वेश्चंस कई ऐसे आए, तो उसमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाउंड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस थ्री इक्वेशन विल बी इक्वल टू जीरो फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए। उसको जीरो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। फिर इसमें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए वो के की वैल्यू रख देंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो किस तरीके से करेंगे। अब इसको इसमें सॉल्यूशन डेल्टा की वैल्यू किसके को रखोगे, जीरो के, सो टू थ्री माइनस वन वन के माइनस टू एंड टू माइनस वन वन। तो ये आपके पास में कोफिशियंट है इसमें, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास में टू के माइनस टू ऐसे ही आया, सो थ्री से माइनस थ्री, सो दिस विल बी यहां पे आपके पास में फाइव एंड नेक्स्ट वन माइनस वन, तो ये आपके पास है माइनस वन माइनस टू के इक्वल टू जीरो। यहां से आपके पास में प्लस का टू के प्लस का फोर के ऐसा आ रहा है। तो अब अपने पास है माइनस फोर माइनस, तो माइनस के ये कितना हुआ आपके पास है माइनस फिफ्टीन एंड माइनस एट नाइनटीन, तो माइनस एटीन इक्वल टू जीरो, सो के इज इक्वल टू नाइन बाई टू, क्लियर है। अब अपने पास में ये दो इक्वेशंस को देखो, अपने पास में दी इक्वेशन हैज द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस, तो जेड की वैल्यू कुछ भी आप लेट कर लो, यहाँ पे पी लेट कर लो, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के की वैल्यू डालेंगे। तो देखो फर्स्ट टू इक्वेशंस को ले लो आप, तो फर्स्ट टू इक्वेशंस को जब आपने लिया तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड एंड एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस यहाँ पे के की वैल्यू डाल दो, के की वैल्यू कितनी है आपके पास में नाइन बाई टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास में दिस इज टू प्लस नाइन वाई माइनस फोर जेड इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लो, तो एक्स के नीचे आपके पास में क्या आ रहा है, देखो एक्स के नीचे की बात करें तो माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन, तो प्लस माइनस का थ्री आ रहा है एंड व्हाट इज वाई, वाई आपके पास में कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस एट एंड प्लस एट,
तो सिक्स आर सिक्स एंड जेड, इस दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इसमें नाइन एटीन, एटीन माइनस सिक्स हेयर ट्वेल्व, तो ट्वेल्व. सो हेयर एक्स अपॉन वन एंड वाई अपॉन माइनस टू एंड जेड अपॉन माइनस सिक्स, ये आपके पास में वैल्यूज आ गई. तो दो से मल्टीप्लाई कर दी ना, दो से आपने तीन से, सॉरी, तो तीन से यहां पे आपके पास में क्या आएगा, तो तीन से मल्टीप्लाई किया माइनस तीन से, तो इसमें आपके पास में माइनस फोर आ जाएगा. अब ये जो है ना, जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे. तो देखो, अब ये एक्स की वैल्यू वन माइनस टू, ये माइनस फोर, इसमें देखो आप थर्ड इक्वेशन में रखो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब हमने ये जो वैल्यू निकाली है वो सही निकाली हमने. अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये फिर इसका मतलब गलत है. तो ये यहाँ पे इक्वल टू के रखकर आपके पास में एक्स की वैल्यू के माइनस, वाई की माइनस टू के, जेड की क्या है माइनस फोर के. तो इसमें आपके पास में ये यहाँ पे आपके पास में नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस मिल गए. तो इसमें के की वैल्यू वन टू थ्री डालो तो आपके पास में नॉन इनफाइनेटली मैनी मतलब सोल्यूशन आएंगे, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन आएंगे इसमें, ठीक है. तो उसमें जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास अलग अलग बना सकते हो एक्स वाई जेड की. अब ये वैल्यू जो है आपके पास में, देखो एक्स अपॉन वाई क्या आ रहा है, एक्स अपॉन वाई, यहां से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालो माइनस वन अपॉन टू, ठीक है. एंड वाई अपॉन जेड, सो वाई अपॉन जेड भी है वन अपॉन टू, वन अपॉन टू आ रहा है. और क्या जेड अपॉन एक्स है, जेड अपॉन एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस फोर आएगा, तो जेड अपॉन एक्स माइनस फोर. तो ये सारी की सारी वैल्यूज का सम प्लस, तो इनका सबका सम कर लेते हैं तो माइनस, यही तो पूछ रहा है, वन अपॉन टू माइनस फोर प्लस नाइन बाई टू, यही तो है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस के, ठीक है. ये किसके इक्वल आ रहा है आपके पास में, ये कैंसिल हो गया. सो दिस इज वन अपॉन टू, वन अपॉन टू. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो थर्ड ऑप्शन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में डेल्टा वन दो डिटरमिनेंट दिए हैं, डेल्टा वन और डेल्टा टू दे रखा है. देन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू, तो आपके पास में थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू, इसके लिए आपके पास में डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, जो भी है इसमें वैल्यू पूछा है, तो अपने को इनकी वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट की, ठीक है. तो देखो इसमें डेल्टा वन इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है. तो इसमें एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इस फॉर्म में, फिर माइनस साइन थीटा, तो इसमें आपके पास है माइनस माइनस साइन थीटा, दिस विल बी माइनस एक्स साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, सॉरी, ये माइनस, तो यहां से आपके पास में माइनस एक्स साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास माइनस साइन थीटा एंड प्लस एक्स कॉस थीटा, इस फॉर्म में आ गया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपके पास में डेल्टा वन माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, इसमें ये क्या हो गया आपके पास में प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इस फॉर्म में, तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये आपके पास में एक्स कोस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में हुए, ये कैंसिल हो गया. यहां से क्या मिला आपको, तो एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, एक्स एक्स कॉमन आएगा तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो डेल्टा वन इज हियर भी है माइनस एक्स क्यू. तो सिमिलरली डेल्टा टू की वैल्यू भी निकालो, तो डेल्टा टू की वैल्यू देखो आपके पास में सेम वैसा ही मैट्रिक्स है ये, ठीक है. तो यहां पर देखो थीटा की जगह क्या है, टू थीटा है, सो थीटा इज रिप्लेस बाई ओनली टू थीटा. सो इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट. तो यहां पे अगर मैं थीटा की जगह थ्री थीटा लगा दूं या फोर थीटा लगा दूं तो रिजल्ट तो इसी फॉर्म में आएगा ना आपके पास में. तो इसमें फिर बेटा आपके पास में दिस इज आल्सो माइनस एक्स क्यू, तो डेल्टा वन माइनस, तो हियर भी है दिस इज माइनस साइन टू थीटा एंड माइनस एक्स, कोई चेंज तो नहीं है इसमें, नहीं है,
इसमें आपके पास में डेल्टा, तो 1 प्लस डेल्टा 2 भी है माइनस 2x³। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू पूछी थी, डेल्टा 1 माइनस, तो ये ऑप्शन आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस गिवन आपको हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन वैल्यू ऑफ द लैम्डा प्लस म्यू। तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए पहले ही इसमें आपको पता है डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय देयर कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द, सो इसमें अपने पास में देखें तो इसमें ये इक्वेशन दो बार दे दिया, मतलब एक बार देना चाहिए था। तो सॉल्यूशन की बात करें, देखो इसमें डेल्टा किसके इक्वल रखना है, सो 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा, इसको इक्वल टू जीरो रख दो, इसमें वैल्यू निकाल लो, सो 2 लैम्डा एक्सपेंड कर लो माइनस 6, सो इसका आगे आपके पास है माइनस, तो इधर आपके पास में लैम्डा माइनस 2, फिर इस फॉर्म में आ रहा है, तो आपके पास में 2 लैम्डा माइनस 6 एंड दिस इज लैम्डा माइनस 2, तो फिर आगे आपके पास में दिस इज 3, तो 1 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में लैम्डा, तो दिस इज ये आपके पास में प्लस का 3, तो 3 आ रहा ना इसमें, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो 3 आ गया। अब अपने पास में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 मस्ट आल्सो बी इक्वल टू 0, वो भी आपके पास में 0 होना चाहिए। तो म्यू की वैल्यू देखो आप किससे निकालोगे, तो आप थर्ड कॉलम को इस कॉन्स्टेंट जो है आपके पास में उससे रिप्लेस करोगे, तो डेल्टा 3 निकालो, सो डेल्टा 3 मस्ट आल्सो बी इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसमें क्रैमर रूल है, मतलब ये क्रैमर रूल से विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल, सो इसमें आपके पास में ये क्या बनेगा, 1 1 1 1 2 1 3, इसमें आपके पास में 5 6, तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये 5 है यहाँ पे 5 एंड 6 म्यू इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 म्यू माइनस 18, तो नेक्स्ट वन इसमें आपके पास में इधर म्यू माइनस 6, तो इसमें फिर आपके पास में प्लस का 1 ही आएगा, वो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो म्यू इधर देखिए आपके पास में 7, ठीक है प्लस का 7 आया, सो ये आपके पास में यहाँ पे, सो इसमें 2 म्यू माइनस 18, ठीक है, और इधर आपके पास में म्यू माइनस 6, ये सही है, तो ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर आपके पास में 3 माइनस 2 ये प्लस 1 हो गया, तो इसमें 17 11, सो वी हैव हियर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हियर 7, तो ये आपके पास में 7 18, सो 11 11 माइनस 3, तो 11 प्लस 3 इसमें आपके पास में, तो ये यहाँ पर आपका 5 रह गया था, 5 इसको सही कर लें 5, तो इसमें देखें फिर आपके पास में क्या आ रहा है यहाँ पे 11, सो दिस इज 11, क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास में 18 माइनस 11 दैट इज 7, तो माइनस 7 इक्वल टू 0, सो यहाँ से आपके पास में लैम्डा प्लस म्यू किसके इक्वल आ गया 10 के, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, फोर्थ, तो आपके पास में फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 27 क्वेश्चन में द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपके पास में देखो ये डिटर्मिनेंट है, तो इसमें आप इस डिटर्मिनेंट की जो डिग्री है ये किसको आप जब एक्सपेंड करोगे तो आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, कैसे, इसकी डिग्री देखो यहां से आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स में इसमें डिग्री कितनी आ रही है आपके पास में 3, तो आपको जब एक्स में क्यूबिक इक्वेशन आएगी तो उसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है भी, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आपके पास में सम ऑफ द रूट्स इन क्यूबिक इक्वेशन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो लेना है। तो देखें अपने इसमें पहले इसको एक्सपेंड कर लें, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू देखें क्या आती है आपके पास में, सो एक्स तो माइनस 3x एक्स प्लस 2 इस फॉर्म में, ठीक है, तो इधर दूसरे वाला जो आपके पास है माइनस, फिर ये आएगा प्लस का 3, इसमें क्या आएगा प्लस का 2 माइनस का 2x माइनस का 2x,
तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें ये स्टेप लिखने की जरूरत है बस आपको। आगे वाले में देखो, आपको जब इससे आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहां से x का टर्म नहीं मिलेगा। देखो आप इसको लिख भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है इसमें। 2x प्लस 4 एंड माइनस ये प्लस का 3x माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। और इधर माइनस का 1 और ये आपके पास में 4x एंड माइनस 9x। तो यहां से आपको देखो कोई x का टर्म नहीं मिल रहा, x स्क्वायर का टर्म नहीं मिल रहा, x स्क्वायर का। तो इधर x स्क्वायर का टर्म यहां से है। देखो इधर देखें, आपके पास में x स्क्वायर का टर्म यहां से माइनस 6x आएगा और इधर से प्लस का 6x आएगा, वो भी कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो माइनस 3 क्या मिल रहा है आपको, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर आ गया, तो माइनस का 5x क्यूब आएगा, बाकी का वो कैंसिल हो गया। देखो माइनस का यहां से 6x और प्लस का 6x वो कैंसिल। तो आपके पास में इधर x के टर्म आएंगे, तो इधर x के टर्म आएंगे जो भी आएंगे, मतलब x टर्म, ठीक है, वो प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। तो आपके पास में मेरे को ये बताओ यहां पे, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स विल बी जीरो। तो क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन फिर क्या हुआ आपके पास में, सेकंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट लैम्डा बी द रियल नंबर फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो लैम्डा इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास में वही, इसमें देखो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसमें आपको क्या है, इनके कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो रखना है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपको डिटरमिनेंट वैल्यू को जीरो के इक्वल रखना है। तो देखो इसमें 1 1 1 4 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 2 माइनस 4 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपके पास में देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस 2 लैम्डा। एक्सपेंड कर लो, सो माइनस 16 एंड प्लस 3 लैम्डा इस तरीके से, फिर 8 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये आपके पास में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये माइनस 2 लैम्डा प्लस 16 और इधर माइनस 3 लैम्डा, तो माइनस 6 लैम्डा प्लस 8, ठीक है। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है आपके पास में, तो यहां पे माइनस 8 लैम्डा एंड माइनस 24, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 किसको सेटिस्फाई करता है, दैट इज द आंसर। तो वो देख लो आपके पास में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसको नहीं करेगा, ठीक है। इसमें देखो आपके पास में 9 ये नहीं करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सो ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, अ मैट्रिक्स सच दैट दी। तो आपके पास में ए प्लस बी इस फॉर्म में दे रखा, तो ए बी किसके इक्वल है, तो इसमें देखें लेट कर लो अपने क्या ए इज द क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास में इसको इस तरीके का अज्यूम कर लो, ए 1 1 ए 1 2 ए 1 2 ए 2 2, तो ये एलिमेंट सेम रहेंगे। एंड बी इज द स्क्यू सिमेट्रिक, तो बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल उसके एलिमेंट्स क्या रहेंगे बेटा, जीरो, तो वो जीरो रखना है। तो इसमें देखो ऐसे इसको लेना बी 1 2, ये और ये दोनों सेम होंगे बट दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ये रहता स्क्यू सिमेट्रिक में। अब अपने पास में इनका सम किसके इक्वल कह रहा है वो, तो सम ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, तो इसके इक्वल कह रहा है 2 3 5 -1, ऐसा है। अब इसमें देखो आपके पास में जब इसमें सम करोगे तो ए 1 1 किसके इक्वल आ गया, ए इसमें जब
इक्वेट करोगे तो A11 इज इक्वल टू टू, A11 इज इक्वल टू टू सीधा. सो नेक्स्ट वन इज यहां पे आपके पास में A12, A12 प्लस B12 इक्वल टू किसके, 3 के, 3 के. तो ऐसे फिर आपके पास में यहां से A12 माइनस B12, A12 माइनस B12 इक्वल टू किसके, 5 के. इसको सॉल्व कर लो तो A12 किसके इक्वल आ रहा है, 4 के, A12 4 के. तो इसमें 4 डालेंगे तो आपके पास में B12 किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 के. सो B इज इक्वल टू माइनस 1 के. तो B12 इज इक्वल टू माइनस 1. तो अब आपके पास में पूछा गया आपको AB पूछा है, तो यहां से AB की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या बन गया AB. तो A क्या बन गया आपके पास में, A. सो दिस इज 2, ठीक है. अच्छा A22 नहीं निकाला मैंने, A22 रह गया अपना पास में. A22 किसके इक्वल आएगा वो देखें, इसके इक्वल था ना. सो A22 इज इक्वल टू माइनस 1, तो वो माइनस 1 के इक्वल आएगा क्योंकि उसका सम वो आपके पास में. सो A12 4, ठीक है. व्हाट इज B? 0, 0. तो B12 कितना आपके पास में, माइनस 1. सो दिस इज 1. अब इसमें प्रोडक्ट निकालें, इसका प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो प्रोडक्ट में देखो आपके पास में किसके इक्वल आ गया. तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 0, ये 4, ठीक है, इस फॉर्म में आ रहा है. अब नेक्स्ट वन आपके पास में यहां पे माइनस टू, इधर आपके पास में -1, ये -1 आएगा, सॉरी ये -1. तो नेक्स्ट यहां पे -4, तो विच ऑप्शन इज, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट हियर. तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका आ रहा है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में B मैट्रिक्स आपको गिवन है, इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स 3×3, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×2, देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द अल्फा फॉर विच द डिटरमिनेंट ऑफ A+1 इज इक्वल टू 0. आपके पास में मैट्रिक्स बी क्या है, इनवर्स है किसका, मैट्रिक्स ए का. तो इसमें देखो आपको इसको किस तरीके से करोगे, AB इज इक्वल टू B I. सो इसका आपके पास में डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा आपके पास में, सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A I इज इक्वल टू, मतलब इसका आपके पास में 1 हो गया, तो ये आपके पास में 1/ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी. तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आपके पास में, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी इज, इसको एक्सपेंड कर लो आप क्या आएगा आपके पास में, इससे एक्सपेंड कर लेते हैं C1 से. तो किस फॉर्म में आ गया ये, 2 - 3, सो 5, 2 - 3 दैट इज -1, इस फॉर्म में आया. तो 0 फिर आपके पास में ये प्लस अल्फा, तो इधर आपके पास में 2α - 2, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 2α² - 2α - 5, ये. तो ये आपके पास में मैट्रिक्स बी की डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई. तो अब उसमें नाउ वी हैव डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे कह रहा है. तो ये आपके पास में किसके इक्वल आएगा, 1/ में आएगा ना, तो 1/2α² - 2α - 5, ऐसा प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, सो दिस विल बी 2α² - 2α - 4, ऐसा हो गया. तो α² - α - 2, तो अल्फा की वैल्यूज क्या आ गई आपके पास में, अल्फा इज इक्वल टू 2 - 1, 2 - 1. तो अब इसमें पूछा गया इसने, सो अल्फा के उन सभी मानों का योग, जिनके लिए योग पूछा है, द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द अल्फा, सो 2 - 1, सो दैट इज फोर्थ ऑप्शन. इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/3. आपके पास में इसके सॉल्यूशंस की, मतलब थीटा की वैल्यू पूछी है, तो व्हाट वैल्यू ऑफ द थीटा लाइज हियर. अब इसमें देखो आप क्या करोगे, इसमें
इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं अपने, इसमें देखो, इसमें इस तरीके से कह रहा हूं मैं, देखो डेल्टा, इसमें आर वन माइनस आर थ्री लगा लो, आर वन माइनस आर थ्री एंड आर टू माइनस आर थ्री कर लो। तो आर वन माइनस आर टू, ये ऑपरेशन है, आर वन माइनस आर टू एंड आर टू माइनस आर थ्री, ये इस तरीके से कर लिया, ठीक है। तो इसमें ऐसे कर लो, आर वन माइनस आर थ्री, कुछ जीरो एलिमेंट्स मिल जाए इस तरीके से। तो ये देखो आपके पास में क्या आ रहा है, वन इस जीरो एंड माइनस वन, इस फॉर्म में आ गया। तो दिस इज जीरो, ये आपके पास में वन एंड माइनस वन। तो अब इसमें ये आपके पास में कोस स्केयर थीटा एंड साइन स्केयर थीटा एंड वन प्लस फोर कोस सिक्स थीटा, इसको एक्सपेंड कर लो, इससे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है, आपके पास में वन, तो ये माइनस वन, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इधर प्लस का वन, वन आ गया, ठीक है। तो अब इससे एक्सपेंड करेंगे, तो देखो इसको एक्सपेंड किया ना, तो ये इससे इससे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, वन प्लस फोर कॉस सिक्स थीटा एंड प्लस साइन स्केयर थीटा, प्लस साइन स्केयर थीटा, ऐसा आ गया इस फॉर्म में। तो इसका इसका क्या बनेगा आपके पास में, देखो ये माइनस वन, ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास में वन हो गया, तो फोर कोस सिक्स थीटा प्लस टू, तो कोस सिक्स थीटा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस वन अपॉन टू के। तो थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई थ्री, तो आपको पता है ये कहाँ कहाँ होगा। तो इसमें देखो थीटा की वैल्यू निकालनी, तो इसमें देखो सिक्स थीटा इज इक्वल टू भी है टू पाई बाई थ्री। तो पहले तो इसी को देख लो आपके पास में कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो इसमें टू पाई ऐड करते जाए, तो ये कितना आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई नाइन। तो विच ऑप्शन इज हियर करेक्ट, तो पाई बाई नाइन, तो इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें नहीं तो आप जनरल फॉर्मूला लगाकर टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री, तो एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री वो रखकर आप चेक कर लोगे, इससे ये पहला ऑप्शन ही मिल रहा है। तो ये आपके पास में इसमें देखो, नहीं तो टू पाई ऐड कर दो और आगे, तो उसमें आगे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो ये पाई बाई नाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, तो टू एक्स प्लस टू ए वाई, ये आपके पास में इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसमें आपके पास में इसको फिर आपको ये पूछा है, देन ए बी सी आर इन विच सीरीज, आर इन ए पी, ए बी सी आर इन जी पी, और वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी आर इन। तो इसमें देखो आप इसको पहले इसके डिटरमिनेंट वैल्यू देखो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। आपके पास में नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए ये मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो टू टू ए एंड ए, टू थ्री बी एंड बी, एंड टू फोर सी सी, ऐसा है। अब इसमें से टू कॉमन है ना, तो टू कॉमन निकाल लो यहां से, नहीं निकालना तो बड़ा रहने। तो इसमें देखो अब मैं ऐसे कर देता हूं, इसमें क्या है आर वन माइनस, मतलब आर टू माइनस आर वन, ठीक है, एंड आर थ्री माइनस आर टू, ऐसे कर लो, ये ऑपरेशन लगा दो। तो आपके पास में टू टू ए ए जीरो, सो थ्री बी माइनस टू बी टू ए एंड बी माइनस ए, ऐसा ही है, ऐसे ही किया मैंने। इसमें देखो इसमें आपके पास में आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री माइनस आर टू, तो वही ऑपरेशन। इसमें देखो जीरो फोर सी माइनस थ्री बी एंड सी माइनस बी, इसको एक्सपेंड कर लो अब इससे, ठीक है। तो इससे एक्सपेंड किया तो बेटा क्या आ रहा है आपके पास में, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो किस फॉर्म में आएगा ये, सो टू तो बाहर रहेगा, सो ये थ्री बी सी
माइनस थ्री बी स्क्वेयर, सो माइनस टू ए सी एंड प्लस टू ए बी, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस फोर बी सी, माइनस फोर बी सी और माइनस का थ्री बी स्क्वेयर वो प्लस का थ्री बी स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस का थ्री बी स्क्वेयर, ठीक है। तो मैंने पहले किससे किया, इसका माइनस फोर बी सी इससे किया, अब इसमें देखो इसमें माइनस प्लस का फोर ए सी, प्लस का फोर ए सी ऐसा आएगा। अब माइनस का ये थ्री ए बी, तो ये प्लस का हो गया तो माइनस थ्री ए बी इस फॉर्म में आ गया, इक्वल टू किसके, जीरो के। तो यहां से देखो थ्री बी स्क्वेयर ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो आगे, तो माइनस फोर बी सी ये माइनस बी सी, ठीक है, तो माइनस ये प्लस का टू ए सी, सो माइनस का थ्री ए बी, तो ये माइनस का ए बी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में आ गया। तो इसको आप b इज इक्वल टू किसके को लिखोगे, तो b इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, ये आ गया। तो यहां से आपके पास में ए बी सी किस में आ गए, एच पी में आ गए, तो वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी किस में आ जाएंगे, एपी में। तो इसमें ए बी सी आर इन एच पी, तो वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी आर इन एपी, इसमें वन अपॉन ए इसका क्या लिखोगे, वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी आर इन एपी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, थर्ड वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा क्या है, इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें देन द मैट्रिक्स ए रेज पावर 31 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसके रूट्स आपके पास में, अल्फा को मैं ओमेगा लेट कर लेता हूं, तो इसका क्या आपके पास में कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आएगा ना, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो बनता है, देखो इसमें रूट्स इसके क्या आते हैं, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, तो एक ओमेगा होगा एक ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो इसमें अल्फा को मैं क्या लेट कर लेता हूं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा लेट कर लो, ठीक है, ओमेगा। अब इसमें देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, वन अपॉन रूट थ्री, ये मैट्रिक्स है वन वन वन, इसमें वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड वन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा रेशियो फोर क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक है, ये ओमेगा। अब इसमें मैट्रिक्स, इसमें अगर अपने ए स्क्वायर करें तो क्या आता है आपके पास में, देखो तो वो वन अपॉन थ्री आ जाएगा यहां पे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, इसमें दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, इस फॉर्म में आ रहा है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है आपके पास में, देखो ये थ्री, इसमें ये जीरो, तो इधर ये जीरो, ठीक है। तो इसमें आपके पास में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो, तो इसमें देखें वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्पॉन्स अगेन जीरो। अब इसमें देखें आपके पास में ओमेगा क्यूब यहां थ्री आ रहा है, ठीक है। इधर आपके पास में ये जीरो, फिर इसमें आपके पास में ये, फिर आपके पास में यहां पे थ्री आ रहा है, फिर इधर आपके पास में वन, तो ये आपके पास में फिर अगेन जीरो, ये भी जीरो, तो ये आपके पास में इस फॉर्म में आ गया। अगर मैं इसमें देखो आपके पास में ए रेशवा फोर की वैल्यू बात करें तो ए रेशवा फोर, ए रेशवा फोर किसके इक्वल आएगा आपके पास में, वन अपॉन नाइन ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर, तो आपके पास में देखो क्या आएगा, इसमें वन अपॉन नाइन आएगा यहां पे, वन अपॉन नाइन, सो दिस विल बी थ्री जीरो 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 थ्री जीरो थ्री जीरो,
ये आपके पास में 3 0 0 0 0 3 0 3 0 इस फॉर्म में। इसको जब आप क्या करोगे, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ रहा है यहाँ पे, तो इधर आपके पास में 0, फिर ये 0, तो ये आपके पास में फिर 0। अब इसमें यहाँ पे 9 आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 9, अगेन यू हैव दिस 0, तो आपके पास में इधर क्या आ रहा है आपके पास में फिर ये 0, तो इसमें ये 0, फिर 0 यहाँ पे। अब इसमें लास्ट में जब आप करोगे तो ये 9, तो ये आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया एक, ठीक है। तो ए रेश पर 4, एक क्यूब भी निकालोगे तो फिर उसको एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो यहां तक पहुंचेंगे अपने। तो इसमें बेटा आपके पास में ए रेश पर 4 आपके पास में आई आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो ए रेश पर 31 को क्या लिखोगे आप, ए रेश पर 4 7 एक क्यूब, ये आपके पास में आई बन गया, आई एक क्यूब, तो दिस इज एक क्यूब। तो इसमें ए रेश पर 31 इज इक्वल टू ए क्यूब, सो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो लेट ए मैट्रिक्स है एक ए आई जे एंड बी इज द अगेन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 3×3, दोनों क्या है दोनों रियल मैट्रिक्स हैं। सो दैट द बी आई जे इज इक्वल टू बी आई जे के जो उसके मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट्स हैं विच आर गिवन इन दिस वे, सो 3 i + j - 2 aji, वेयर, फिर आपको क्या कह रहा है वेयर, ठीक है। ये इसमें आई जे 1 2 3 ये गिवन है, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 18, बी की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी 18 है, देन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ए की डिटरमिनेंट, तो पहले अपने पास में देखो बी मैट्रिक्स लिखे हैं यहाँ पे, बी मैट्रिक्स किस फॉर्म में, तो वो ए के टर्म में लिख लें आपके पास में, तो आपके पास में b11 b12, ठीक है ऐसे लिखना पड़ेगा अपने पास में, तो b13 b21 b22 b32 b31 b32 b33। अब इसके एलिमेंट लिखो किसके फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ ए, ए ठीक है। अब इसमें देखो 1 1 ये इधर आपके पास में कितना आएगा, 1 1 ये 0, तो ये a11 हो गया a11, तो इसमें जब 1 2 डालेंगे तो यहां पे a21 आएगा a21, ठीक है। तो इसमें 1 2 डालेंगे तो आपके पास में 3, तो 3 a21 उल्टा आएगा ना, बस ये ध्यान देना। तो पहले तो आप इसमें देखो ऐसे आप इसको ऐसे लिख लो a31, तो वो चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो कोफिशियंट बाद में लिख देंगे ना a12, इसमें a22, ये आपके पास में a23, इधर a13 बी सॉरी इधर क्या आएगा a क्या होगा 23, और इधर a33, इस फॉर्म में लिख दिया पहले। अब इनके कोफिशियंट लिख देते हैं बेटा, यहां पे आपके पास में क्या आएगा 4 - 2 से 9 इस फॉर्म में, इसमें आपके पास में फिर वही इसमें 3, यहां पे कितना आ जाएगा फिर आपके पास में 4 2, तो ये आपके पास में 9, इधर ज्यादा आएगा 27 आएगा क्या, यहां पे देखो आपके पास में 5 - 2, तो ये आपके पास में 27, तो इसमें फिर 9 मिलेगा। इसमें देखो सम कितना है 4 है ना, तो ये 9, इसमें 5 ये 27, तो यहां पे 6 आ रहा है तो ये 81। अब ये आपके पास में इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, आपको इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी, तो देखें अब इसको देखो किस तरीके से कह रहा हूं, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी ये इस फॉर्म में आ जाएगा, सो a11 3a21 9 3a1 so 3a12 9 a22 and 27 a23 9 a13 27 a23 87 a33 sorry 20 sorry 81 81 81 है ना। तो ये आपके पास में देखो यहां से आप क्या करोगे, यहां से 3 कॉमन आ रहा है, यहां से 9 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। फिर देखो आपके पास में या कैसे भी कर लो, आपके पास में ये
3927 आ गया, कोई मुश्किल इसमें? तो ये आपके पास में इधर क्या A11, A21, ठीक है, इधर 9 कॉमन, इसमें से 3, A12, इसमें से 3 कॉमन निकाला था, तो इसमें से आपके पास में 3A22, इसमें से 3A23, इसमें आपके पास में 9A13, सो यहां पे 9A23, यहां पे 27, यहां पे 9A33. अब इसमें से 3 और इसमें से 9, सो 3 और 9 इसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो आपके पास में दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. तो ये आपके पास में देखो ऐसे आ रहा है 27 × 27 × डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, इस फॉर्म में आ रहा है. तो इसकी वैल्यू आपके पास में किसके इक्वल है आपके पास में? तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू मैट्रिक्स भी इस 81, सो 81 इज इक्वल टू 27 × 27 मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू मैट्रिक्स है. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो इसमें क्या आएगा, 9 की टेबल से कट रहा है, तो जो भी आ रहा है आपके पास में किसके इक्वल आ गया ये, सो 9, ठीक है, इधर 3, ऐसा हुआ ना 27 27, तो ये 3, इधर क्या आएगा 1/9. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशंस का है, तो इसमें आपके पास में वैल्यू पूछी है, तो म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो हैज मोर देन टू सॉल्यूशंस, मोर देन टू सॉल्यूशंस है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो इसमें इसके जो कोफिशियंट से जो डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट मिलेगी उसकी वैल्यू आपको इक्वल टू जीरो करना है, डेल्टा और डेल्टा वन, ठीक है, उसको देख लेते हैं अपने को लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या क्या आती है. तो देखें फटाफट इसमें, तो डिटरमिनेंट फॉर मोर देन टू सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्मड बाय द कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो वो उसके देखो 1 1 1 1 2 3, सो 3 2 लैम्डा, इसको देखो ये आपके पास में 2 लैम्डा माइनस 6, इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर लिया, तो ये आपके पास में लैम्डा माइनस 9, फिर नेक्स्ट वन 4 2 माइनस 6 माइनस 4, ये आ गया इक्वल टू 0. तो यहां से लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी आती है आपके पास में लैम्डा, सो दिस इज 10, तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1. तो अपने म्यू की वैल्यू देख लेते हैं, म्यू किससे मिलेगा आपको, देखो म्यू अगर लास्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो डेल्टा 3 इक्वल टू 0, तो देखो उसमें सो 1 1 1 3, सो 1 2 2, सो दिस इज 6 10 म्यू, यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी. तो सिमिलरली उसी तरीके से आपके पास में 2 म्यू माइनस 20, ठीक है, तो ये आपके पास में म्यू माइनस 30 इस तरीके का आएगा, फिर आपके पास में 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 24, इसको देखो क्या आता है, माइनस 24, तो ये 2 म्यू, तो माइनस 20 प्लस 30, तो ये आपके पास में कितना आया, ये 44, तो 14 हो गया, तो ये म्यू एक म्यू रह जाएगा ना, तो ये आपके पास है म्यू, तो ये -14, तो आपके पास में म्यू इज इक्वल टू 14, ये आ रहा है, तो इसमें क्या वैल्यू रहेगी फिर आपके पास में 13, सो 14 − 1² दैट इज 13, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 13, ठीक है ना, तो 13 आएगा. तो इसमें ऑप्शन ही यहां पे दे रखा है ये, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स म्यू लैम्डा द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस
इज इनकंसिस्टेंट, तो इज इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में? तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो इसमें आपके पास में इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? इक्वल टू जीरो, ठीक है, और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री ऑल मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो तीनों क्या होने चाहिए आपके पास में? इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या रहेगा, वन टू थ्री, थ्री फोर फाइव, फोर फोर फोर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकालें, देखो क्या आता है आपके पास में, सिक्सटीन, माइनस ट्वेंटी, फिर इसमें ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी प्लस थ्री, सो ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, माइनस फोर, ये आपके पास में प्लस का सिक्सटीन, ठीक है, तो माइनस का ट्वेल्व, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा की वैल्यू जीरो आ गई। तो आपके पास में अब नाउ रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम बाय वन म्यू लैम्डा, मतलब डेल्टा, सॉरी, इससे रिप्लेस कर लेते हैं, वो देख लेते हैं क्या आता है फिर आपके पास में। देखो सो डेल्टा वन, डेल्टा वन आपके पास में किस फॉर्म में आएगा? वन म्यू डेल्टा, टू फोर फोर, थ्री फाइव फोर, ये हो गया। अब इसमें देखो इसकी एक्सप्रेशन क्या बनता है, इसको एक्सपेंड कर लो, आर वन से एक्सपेंड कर लो बेटा, तो सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी, तो इधर म्यू, ठीक है, एट माइनस ट्वेल्व, तो माइनस फोर, तो डेल्टा, डेल्टा के साथ में टेन माइनस ट्वेल्व, तो माइनस टू, ये आ गया, इसका ये कितना बना, माइनस फोर, तो दिस इज प्लस फोर म्यू एंड माइनस टू डेल्टा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखो आपके पास में, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, तो 16 माइनस 20 ये हो गया, तो इधर आपके पास में माइनस का म्यू आएगा, तो इधर 8 माइनस 12, सो माइनस 4, सही है, तो ये आपके पास में इक्वल टू जीरो, सो 2 म्यू एंड माइनस डेल्टा माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब इसको देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लें आप इसमें थोड़ा सा, तो विच इज सेटिस्फाइंग इट, तो इसमें कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो टू म्यू, इसमें देखो पहला, तो इसमें देखें आपके पास में, सो फोर्थ ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिक्स माइनस सिक्स ये हो गया, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल थ्री इंटू थ्री मैट्रिसेस ए विद एंट्रीज फ्रॉम दिस सेट माइनस वन जीरो वन सच दैट द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज थ्री। अब अपने पास में मैट्रिक्स ए जो है आपके पास में विच इज फॉर्म्ड बाय द टेकिंग द दिस थ्री एलिमेंट्स, क्लियर है, तो आपको इसमें से एंट्रीज ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए बिलोंग्स टू द दिस सेट, ठीक है, तो इस सेट से आपको लेने हैं आपको, ठीक है, मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स लेने हैं। तो अब इसमें देखो अपने, फिर अब वो क्या कह रहा है कि भी ऐसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिसके लिए आपके पास में मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट के आपके पास में थ्री के इक्वल, मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है वो थ्री के इक्वल आए, जो उसका प्रोडक्ट करने के बाद में जो उसका ट्रेस वैल्यू है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू थ्री, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहले अपने देखो इसमें मैट्रिक्स ए इसमें सपोज कर लेते हैं, तो देखो वो किस तरीके से कह रहा हूं मैं,
तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स ए किस फॉर्म में, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, इस फॉर्म में। इसका जो ट्रांसपोज आएगा, इट्स ट्रांसपोज विल बी, दैट विल बी ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। इस तरीके से इसका ये ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है, उनके डायगनल एलिमेंट्स का सम किसके इक्वल कह रहा है वो, तो डायगनल अपने वही पार्ट उठा लेते हैं जिनके डायगनल एलिमेंट्स का सम किसके इक्वल आ रहे हैं, थ्री के। तो देखो आपके पास में डायगनल एलिमेंट्स, तो देखो पहला एलिमेंट्स तो इससे मिलेगा ना आपको, जब इसको आप क्या है, देखो इसमें तो सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स की बात करता हूं मैं, देखो सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, इसके डायगनल एलिमेंट्स का क्या, देखो कैसे आएगा, पहले देखो ये डायगनल एलिमेंट्स तो यहां से आएगा, ए वन वन स्क्वेयर, ए वन टू स्क्वेयर। इसका देखो अपने जब इसको मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा आपके पास, ए वन वन स्क्वेयर, ए वन टू स्क्वेयर एंड ए वन थ्री स्क्वेयर। तो ये बन गया आपके पास में ए वन वन स्क्वेयर, ए वन टू स्क्वेयर एंड ए वन थ्री स्क्वेयर। अब जो सेकेंड एलिमेंट तो यहां बनेगा ना डायगनल का ऐसे, तो आपके पास में वो किससे आएगा, देखो ए टू वन स्क्वेयर, ए टू टू स्क्वेयर, ए थ्री थ्री, मतलब ए टू थ्री स्क्वेयर। तो क्या आएगा आपके पास में, ए टू वन स्क्वेयर ऐसे, ए टू टू स्क्वेयर एंड ए टू थ्री स्क्वेयर। अब जो लास्ट में जो मिलेगा आपके पास में वो इससे मिलेगा ना, देखो ए थ्री वन स्क्वेयर, ए थ्री वन स्क्वेयर एंड ए थ्री टू स्क्वेयर, ए थ्री थ्री स्क्वेयर इक्वल टू थ्री। अब इसमें देखो आपके पास में दीज एलिमेंट्स ए वन वन एंड ए वन टू, ए टू वन, ए थ्री थ्री, ए थ्री टू, ए टू थ्री, दे आर ऑल टेकन फ्रॉम माइनस वन जीरो वन। वो किससे लिए गए हैं, माइनस वन जीरो, सो दे मे बी आइदर वन और जीरो और वन। तो आपके पास में इनका सबका ये सम ऑफ द स्क्वेयर्स है, इनके स्क्वेयर्स का सम है इक्वल टू किसके, थ्री के। तो आपके पास में देखो स्क्वेयर, नेगेटिव का स्क्वेयर करोगे तो वो प्लस का ही मिलेगा आपके पास में। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास में, देखो इसमें पी एंड सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा इसमें यूज होगा। तो इसमें छह एलिमेंट्स तो आपके पास में क्या रहेंगे, जीरो, एंड थ्री एलिमेंट्स विल बी आइदर वन वन, ठीक है, ट्रिपल वन, ये हो सकते हैं। तो इसमें आपके पास में इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो वो आपके पास में इसमें क्या आएगा, फैक्टोरियल नाइन, फैक्टोरियल थ्री एंड फैक्टोरियल सिक्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे तो देखो आपके पास में किस फॉर्म में आएगा, तो फैक्टोरियल सिक्स तो कट जाएगा, जो भी आ रहा है इसमें देखें कितना बनता है ये, तो ये मेरे को लगता है यहाँ पर नाइन एट एंड सेवन, तो फैक्टोरियल सिक्स तो कट गया, ये आपके पास में थ्री टू वन, इसमें जो भी आ रहा है देखो वो कितना आता है, तो थ्री टू, ये 84 आ गया, क्लियर है। तो ऐसे फिर आपके पास में जीरो 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 जीरो, तो इसमें छह जीरो आएंगे, ठीक है, तो माइनस वन आपके पास में, माइनस वन माइनस वन, ऐसा हो गया, तो इसके आपके पास में 84 बनेंगे अगेन। अब इसमें दो नेगेटिव भी हो सकते हैं, दो नेगेटिव भी हो सकते हैं आपके पास में, एक पॉजिटिव हो सकता है, फिर आपके पास में दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। तो उस केस में जैसे देखो आपके पास में ये, तो इसमें दो नेगेटिव, ठीक है, और एक पॉजिटिव, तो उस केस में आपके पास में फैक्टोरियल नाइन, तो ये फैक्टोरियल सिक्स और फैक्टोरियल टू इस फॉर्म में आएगा, तो थ्री से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये थ्री से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या होगा आपके पास में, ये 252 आएगा। और ऐसे फिर आपके पास में दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसका भी कितना बनेगा 252।
इसको जब आप सबको टोटल करोगे सो यू विल गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 672. तो इसको सबको ऐड कर लेना. इसमें देखो आपके पास में ये कितना आ रहा है, तो 168 आ रहा है. सो दिस 168 एंड सो दिस 672. सो टोटल इज ये कितना सम बनेगा आपके पास में 672. हाउ मेनी मैट्रिसेस विल बी देयर, तो आपके पास में कितने ऐसे मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे, तो 672. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 672. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, आई आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन टेन ए माइनस वन, तो इक्वल टू किसके इक्वल आएगा आपके पास में. तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सा है. तो ये देखो आपके पास में ए इनवर्स क्या आएगा आपके पास में, ए इनवर्स दैट विल बी यहां पे, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है वो देखो आपके पास में, 8 माइनस 18, तो माइनस 1/8, तो माइनस 1/8 ऐसे लिख लिया, ठीक है. तो इसका इनवर्स आपके पास में, इनको आप इंटरचेंज कर देते हो, इनके साइन बदल देते हो, ऐसे ही करते हैं, ठीक है. ये आपके पास में, तो अब इसमें इसकी बात कर रहा हूं, तो टेन ए इनवर्स, तो इसको टेन से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 8 माइनस 18, सॉरी इधर मैंने इसका क्या है 8 माइनस 18, तो माइनस 10, इसका इनवर्स की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट वैल्यू बता रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है, वो कितना लिखना था अपने यहां पे माइनस 1/10, ये ऐसा हो गया. अब इसमें देखें आपके पास में टेन ए इनवर्स, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये कितना आएगा आपके पास से माइनस 4 माइनस 2, तो इस फॉर्म में आ गया. अब इसको देखो आपके पास में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस 4 2 एंड 9 माइनस 2. अब इसको देखो आपके पास में a माइनस 6 आई, तो मेरे को लगता है इसमें ये वाला ऑप्शन करेगा. देखो a में से आप 6 माइनस आई करोगे तो कितना आ रहा आपके पास में माइनस 4, ठीक है, ये 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, तो इधर आपके पास में वही रहेगा, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपके पास में लीनियर इक्वेशंस हैं. सो नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 8, नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2. इसमें अब इसमें पहले आप डेल्टा की वैल्यू निकालो, डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, मतलब डिवाइड इज डेल्टा, मतलब इसमें डेल्टा की वैल्यू मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट फॉर्मड बाय द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, वो देखो आपके पास में डेल्टा कितना आ रहा है आपके पास में, डिटरमिनेंट वैल्यू लैम्डा 2 2 2 लैम्डा एंड 3 5 4 लैम्डा 6, इसमें आपके पास में इसमें वैल्यू क्या रहेगी, सो 18 माइनस 5 लैम्डा, इस फॉर्म में -2, सो 12 लैम्डा -20 ऐसे, सो +2, सो 2 लैम्डा स्क्वायर -12, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से आपके पास में 18 लैम्डा -5 लैम्डा स्क्वायर एंड -24 लैम्डा +40 एंड +4 लैम्डा स्क्वायर -24 ऐसा आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में माइनस लैम्डा स्क्वायर और इधर से -6 लैम्डा एंड हियर भी है, दिस इज 26, तो इसमें 26 नहीं सॉरी 16 +16, तो इसमें से कॉमन क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस का 6 लैम्डा एंड -8, इसके फैक्टर देखें आपके पास में लैम्डा +8, तो -λ+8 एंड λ-2 इस फॉर्म में आएगा.
अब अपने पास में इसमें आपके एक वैल्यू और देखो, इसमें आपके पास में डेल्टा वन निकाल के देखो, तो यहाँ पे आपके पास में लैम्डा इज इक्वल टू -8 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2, फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस डेल्टा बिकम 0, तो ये डेल्टा किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो जब ये 0 के इक्वल आ रहा है तो इसको देखो आप क्या करो, अब इसमें मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, डेल्टा वन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो डेल्टा वन देखो आपके पास में किस फॉर्म में आ रहा है, डेल्टा वन की वैल्यू देखें इसमें, डेल्टा वन क्या क्या आएगा आपके पास में, 5, 8, 10, सो 2, 3 लैम्डा, 2, 5, 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो इसमें देखो आपके पास में 5, 18 -5 लैम्डा ये, सो -2, सो 48 -2 इस फॉर्म में, इधर आपके पास में 8 λ -3, तो 2, 8 λ -30 इस फॉर्म में आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है, तो यहां पे 90 -25 λ, तो ये आपके पास में +4 एंड दिस इज 16 λ और ये -60। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में 9 -9 λ -9 λ और ये यहां से 30 आएगा, 30 + 34, तो +34, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है किसके लिए, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए क्या नहीं आ रहा, मतलब किसके इक्वल नहीं आ रहा, 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर आपके पास में डेल्टा 0 आ रहा है एंड डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0, सो इट मींस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। तो इसमें आपके पास में ऑप्शन इज हियर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर सम अल्फा एंड बीटा इन आर द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 3 प्लेन्स इज ए लाइन इन आर क्यूब, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इट मींस ऑल दीज 3 प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए वन लाइन, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर हैविंग द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उनके सॉल्यूशंस क्या है, इनफाइनाइट है। तो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा, सो इसमें सॉल्यूशन के लिए देखो आपके पास में लाइन इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल गिवन प्लेन्स, तो गिवन प्लेन्स है ना, तो आपके पास में लाइन इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल गिवन प्लेन्स, तो फिर इसका मतलब क्या है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको पता है डेल्टा क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उसमें डेल्टा 0 के इक्वल, सो डेल्टा 0 के इक्वल रखोगे तो क्या आएगा आपके पास में, देखो इसमें 1, 4 -2 and 1, 7 -5 and 1, 5 α, तो यहां से आपके पास में 7α + 25, इससे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, तो 4α माइनस प्लस का 10, तो नेक्स्ट इधर आपके पास में 20 -20 and -14 इक्वल टू 0, ऐसा है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में 3α, क्लियर, तो यहां से आपके पास में ये -34 and -, तो ये +25, तो ये माइनस का यहां से प्लस का 10, तो ये इस फॉर्म में आ रहा था ना माइनस का, ये माइनस का 10 एंड 54 आएगा यहां से, सॉरी 34 एंड 44,
सो 44 माइनस का, ठीक है, तो आपके पास में ये कितना बन गया आपके पास में, तो माइनस 10, तो इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले ध्यान से, थोड़ा सा देखकर इसको लास्ट वाले को, माइनस 20 ये प्लस का 14 आएगा, सॉरी प्लस 14, तो माइनस 6 यहाँ से, तो माइनस 6 ये आपके पास है, माइनस 16 ये माइनस 16 आ गया, तो आपके पास में ये कितना हुआ 9, सो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या आपके पास में किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा की, तो लास्ट कॉलम को रिप्लेस कर लो, तो लास्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे तो देखो आपके पास में क्या आएगा, तो डेल्टा 3, तो वो भी जीरो के इक्वल होना चाहिए ना, तो 1 1 1 1 4 7 5, सो दिस विल बी माइनस ये 1 बीटा 5, तो ये भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो इससे एक्सपेंड कर लो आपके पास से 5 7 -5, तो दैट इज -2, तो बीटा इससे एक्सपेंड किए तो 5 -4 तो दैट इज 1, ठीक है। अब 5 इधर आएगा, तो इधर आपके पास में 7 -4 तो 3 15, सो 15, अब आपके पास में बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 13, सो बीटा इज इक्वल टू 13 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10, तो क्या आ रहा है आपके पास में 10, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, फोर्थ वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 41वां क्वेश्चन देखें, 41st इफ द मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास में, ए बी ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए और सी मैट्रिक्स आपके पास में 3A, तो देन एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है ये बताना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल है बेटा और कुछ नहीं है। तो इसमें आपके पास में देखो, इसमें आप क्या करोगे, पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है वो देखें आपके पास में, सो 9 + 4 13, ठीक है, इससे एक्सपेंड कर लो किसी से भी, इसमें देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तो 3 - 4 या मैं इससे एक्सपेंड कर देता हूँ, 3 - क्या हो गया आपके पास में +2, तो -5 होगा, -5 इससे एक्सपेंड कर लिया, तो 4 - 6, सो 4 - 6 - 2, सो दिस इज 6, ये आपके पास में 6 आ गया, ठीक है। अब अपने पास में देखो आप सी की वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 3A, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3QA, तो ये आपके पास में 3Q × 6, ये लिख के रख लिया। अब अपने पास में एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके का है, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करते हैं, तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू किसके बराबर आएगी, मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू की पावर क्या है, n-1 होल स्क्वायर, तो आपके पास में ऑर्डर कितना है इसका, 3 है, तो ये 6:4 आ गया। अब अपने पास में इसकी वैल्यू पूछी है बेटा, ठीक है, ये आपके पास में 6:4, सो इधर 3Q × 6, तो ये इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें 42nd क्वेश्चन में देखें, आपके पास में क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, a-2b, लेट a-2b + c इज इक्वल टू 1 एंड fx इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है, तो देन इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखो इसमें आपके पास में ये जो वैल्यू दी हुई है, इसको अपने देखो इसी का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, इसमें पहले आप ऑपरेशन लगाएं, क्या है r2 - r1 + r3 / 2, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो आपके पास में देखो fx किसके इक्वल आ रहा है, फिर ये डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी किसके इक्वल आएगी, तो ये आपके पास में x + a, ये वैसे का वैसे x + 2 x + 1, इधर x + c एंड x + 4 एंड x + 3, तो ये आपके पास में, इसमें से देखो जब आप x को कैंसिल हो जाएगा तो b - a + c / 2, ये जीरो, यहां से 2b- क्या आएगा, 2b - a - c, उसकी वैल्यू -1 आएगी, तो -1/2 आएगा, यहां से आपके पास में -1/2 इस फॉर्म में आ जाएगा, सो दिस इज x + a, x + 2, x + 1, ये -1/2,
0, 0. And x plus c, x plus 4, x plus 3. ये थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लिया करो. देखो ये इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ये है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ये है, इनका दोनों का समांतर माध्य ये वाली वैल्यू है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से घटाया है. अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो इससे एक्सपेंड किया तो आपके पास में एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स 1/2. तो इसमें यहां से आपके पास में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इधर क्या आएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4. वो माइनस से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 आएगा, तो 6 माइनस 4 यहां से 1 आएगा. तो यहां पे आपके पास में एफ 50 किसके इक्वल आ गया, 1 के. तो ये आंसर आ जाएगा. ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे, फोर्थ. तो नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन देखे बेटा. अब इसमें देखिए आपके पास है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये इनके क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. इसमें पहले अपने देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, पहले अपने इसका डेल्टा वैल्यू निकालते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड. तो डेल्टा किसके इक्वल आ रहा है देखो आपके पास में इसमें, सो 7, 6, माइनस 2, 3, 4, 2, तो 1, माइनस 2 एंड माइनस 6. ये इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आ रहा है आपके पास में, ये किसके इक्वल आएगा. सो 24 माइनस 24, 7 माइनस 24 प्लस 4, ठीक है. तो 6 से या इससे एक्सपेंड कर लिया जो भी है, मतलब इसको आप इसी से कर लो, तो माइनस 18 माइनस 2, तो माइनस 6 माइनस 18 माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 12 माइनस 4, तो माइनस 2, तो माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस 10 ये आ रहा है. तो आपके पास में ये किसके इक्वल हुआ, माइनस 140 एंड दिस इज 20, सो 120 ये आपके पास में 20, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गए, जीरो के. तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड इज जीरो. अब इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए आपके पास में इसके आपके पास में क्या होगा, आपको कोई भी दो इक्वेशंस है उनको देखो आप सॉल्व कर लो किसके टर्म्स में, उनमें क्या क्या रिलेशन आता है. तो देखो मैं इसमें देखो इसको फर्स्ट और लास्ट को, या फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है, या लास्ट दो को, इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूं. तो देखो इसमें क्या रिलेशन बनता है आपके पास में, किस तरीके से मैं कह रहा हूं, इसको देखो आप वाई के कोएफिशिएंट सेम कर लो यहाँ पे, वाई के कोएफिशिएंट, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7x 6y माइनस 2z, ठीक है. तो आपके पास में इधर ये किस फॉर्म में आएगा, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो दोनों को, तो वो आपके पास में कोई एक रिलेशन मिल जाएगा इसमें से. तो देखें तो 3x, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x माइनस 6y माइनस 18 आएगा z. इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, 10x एंड 20z, सो x इज इक्वल टू 2z आ रहा है, ठीक है. अब इसमें x इज इक्वल टू 2z आ रहा है, तो इसमें आप इक्वेशन हैज द इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस. अब x और y और z के बीच में रिलेशन देखना है या x और y के बीच में रिलेशन देखना है, वो आपके पास में देखो. अब मेरे को किस में रिलेशन देखना है, x और y और z में देखना है, क्या ये तो नहीं सही है. अब इसमें देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, तो x को एलिमिनेट कर देता हूँ. x को एलिमिनेट करेंगे तो देखो आपके पास में क्या आएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 3x प्लस 4y यहाँ पे प्लस 2z, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस 6y एंड माइनस 18, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ रहा है, 10y प्लस 20z. तो y प्लस 2z आ रहा है उसके लिए, तो y इज इक्वल टू माइनस 2z होता, तो ये नहीं है. तो आपके पास में विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हियर वी हैव x इज इक्वल टू 2z. अगर ये दिया होता तो फिर y इज इक्वल टू माइनस 2z, तो तीनों में एक रिलेशन आ जाता, इक्वल टू k रखते तो
मैनी सॉल्यूशंस आपके पास में आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th क्वेश्चन. इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैज ए सॉल्यूशन एक्स वाई जेड, जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन एक्स वाई लाइज ऑन विच स्ट्रेट लाइन, तो कौन सी स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है एक्स वाई? तो इसका देखो, जैसे सॉल्यूशन है ना, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, तो बेटा इसमें आप पहले क्या है, डेल्टा निकालेंगे. तो डेल्टा की वैल्यू देखो क्या आती है आपके पास में, डेल्टा. तो डेल्टा आपके पास में वो डिटर्मिनेंट बनेगा, इनके कोएफिशिएंट से बनेगा. तो इसमें 2, 1, 1, 3, -1, -k ऐसे. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में तो -k+1 इस फॉर्म में, तो 2 प्लस का 2 आ जाएगा, तो -2k एंड -3 के एंड -2, -3 तो -5. ये इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, तो -10k और -6, ये -5. ठीक है, तो आपके पास में ये -10k -5 आ रहा है. अब देखो डेल्टा वन निकालेंगे अपने पास में, डेल्टा वन किसके बराबर आता है, वो डेल्टा वन देखो अब इसमें किस तरीके से, डेल्टा वन आपके पास में वन जीरो थ्री इस फॉर्म में, सो -2, -1, -1, k, 1, -k. तो डेल्टा वन इसी से एक्सपेंड कर लेते हैं अपने इसको, देखो क्या आ रहा है आपके पास में, 1, -k, +1 इस फॉर्म में, सो माइनस फिर इसमें प्लस का 3, तो ये आपके पास में 2k+k. सॉरी इसमें देखो -2, सॉरी ये आएगा -2 सो इसमें +3 एंड -2, -k ये हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपके पास में क्या आ रहा है, -4k, -4k, and -5 इस फॉर्म में आ गया. तो ये आपके पास में यहां पे डेल्टा वन आया, तो -k+1 and +3 इसमें आपके पास में -2, -k सो ये डेल्टा वन आ गया. तो डेल्टा वन किसके इक्वल हुआ, -4k -5. तो ऐसे आपके पास में डेल्टा टू निकाल लो. सो डेल्टा टू किसके इक्वल आ रहा है, देखें डेल्टा टू को निकालेंगे तो 1, 2, 3, 1, 0, 3 k, 1, -k. तो इसमें देखें आपके पास में इसकी वैल्यू, फिर इसको एक्सपेंड कर लिया इससे -2 तो -k and -3k इस फॉर्म में आएगा. ठीक है, 1, -1 तो ये आपके पास में, ठीक है, तो 3 - 3 ये 0 तो आपके पास में इसको एक्सपेंड किया तो जैसे देखो 2 - k - 3k फिर इसमें आपके पास में 1, 0, 3 है ना, तो ये आपके पास में 3 - 3 = 0 तो ये माइनस का कितना आ गया, -8k. ठीक है, तो डेल्टा 2 ये हो गया आपके पास में. अब इसमें देखें आपके पास में एक्स किसके इक्वल आ गया, तो 4k+5 upon 10k+5 एंड व्हाट इज द वाई, 8k upon 10k+5. ठीक है, अब ये जो आपके पास में एक्स और जो वाई जो वैल्यू आई है वो देखिए आप इस इक्वेशन में रख, इन चारों ऑप्शंस में डाल के देख लो किसको सेटिस्फाई करता है.
तो अगर अपने देखो इसमें सेकंड ऑप्शन में देखें, अपने इसकी बात करते हैं, जैसे देखो यहां पे क्या आ रहा है 16K, तो यहां पे क्या आ रहा है आपके पास में माइनस, तो ये माइनस का, यहां पे माइनस का 8K, तो ये माइनस का कितना बनेगा आपके पास में 24K बनेगा, तो 24K बनेगा, ठीक है। तो उसमें माइनस का 8K, तो माइनस का 8K, ये प्लस का 8K, सॉरी प्लस का 8K, ठीक है, तो ये माइनस का बनेगा। तो अब इसमें जब इसमें वैल्यू डालोगे तो आपके पास में क्या आएगा 16K प्लस 20, वो देखो 16K यहां से प्लस का कितना आ रहा है 24, तो ये 40 बन रहा है। तो ये पॉइंट आपका क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो इसमें रखते हैं जब आपके पास में क्या आ रहा है 4K प्लस 5 अपॉन 10K प्लस 5, तो अब इसमें नेक्स्ट वाले में आपके पास है माइनस 3 एंड माइनस 8K अपॉन 10K प्लस 5, तो माइनस 4, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपके पास में 16K प्लस 20 एंड 24K माइनस 40K माइनस 20, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो विच ऑप्शन इज हियर करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके पास है बेटा, ये टॉपिक है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, हमने क्या है 2019-2020 के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, ठीक है। इनका सॉल्यूशन आपने देखा, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देखिए ढंग से। ओके, थैंक यू।